बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे। वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। आज तुम्हें एहसास होगा कि हमारा ट्रांसफर कानपुर क्यों नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ दबंग किससे जुड़ी है? दबंग 4 की कहानी। ऐसा कौन सा ऑफिसर है जिससे सब इंस्पायर्ड हो गए? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दबंग 4 की कहानी के बारे में। दबंग फिल्म के जलवे तो 2010 से ही बॉलीवुड में चल रहे हैं। आप फिल्म ही इतनी फेमस हुई थी तो क्या करें, दबंग से ही सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। बता दें कि लोगों ने सोनाक्षी और सलमान की जोड़ी को बहुत पसंद किया। दबंग ने तो आम जनता को पुलिस की दबंगाई बड़े अच्छे से दिखाई थी। और फिर क्या, दबंग के बाद मानो पुलिस वालों पे फिल्में बनने का ट्रेंड ही चालू हो गया, जिसमें हमने देखा दबंग, सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा जैसी फिल्में। लेकिन क्या आपको पता है कि जहाँ हम फिल्मों के हीरो को देख के खुश हो रहे हैं, वहीं हमारे देश में कई पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ना केवल बहादुर भी हैं बल्कि वक्त आने पर उन्होंने अपने देश के लिए जान भी दी है। और ऐसा ही दबंग ऑफिसर की कहानी हम लाएंगे आपके सामने वीडियो सीरीज के जरिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बड़े पर्दे के हीरो के साथ साथ हमारे रियल लाइफ के हीरोज़ के बारे में भी आपको कुछ बता पाएँ। इस वीडियो के हमारे दबंग ऑफिसर हैं मोहन चंद शर्मा। शर्मा जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1965 में। वो 1989 में दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में शामिल हुए और 19 साल तक अपनी सेवा जारी रखी। वहीं दिल्ली पुलिस यूनिट की एंटी टेररिस्ट स्पेशल सेल का हिस्सा थे। शर्मा 2006 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आतंकवादी अबू हमजा के साथ मुठभेड़ में शामिल थे और फरवरी 2007 में दिल्ली के डीडीयू मार्ग पर एक मुठभेड़ के बाद जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया था। शर्मा ने अपने करियर के दौरान वीरता पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और गैलेंट्री अवार्ड्स भी जीते। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली बस विस्फोटों में शामिल इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ बटला हाउस मुठभेड़ के दौरान घायल होने के बाद शर्मा की मृत्यु 19 दिसंबर 2008 को 42 साल की उम्र में हुई। शर्मा के पेट, जांघ और दाहिने हाथ में गोली लगी। वो दिल्ली पुलिस के साथ 2008 में बटाला हाउस मुठभेड़ मामले का हिस्सा थे। उन्होंने इस मामले में एक प्रमुख भूमिका निभाई और इसके बारे में एक फिल्म भी बनाई गई जिसे बटला हाउस कहा जाता है। फिल्म में उनके चरित्र उनके चरित्र को के कहा गया था और उस किरदार को अभिनेता रवि किशन द्वारा निभाया गया था। हमें मोहन शर्मा पर गर्व है और उनके द्वारा किए गए त्याग पर हम हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा मिशन मिला दबंग खान को, कौन से शहर से शुरू होगी इस फिल्म की कहानी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, उससे पहले आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। सलमान खान की अपकमिंग मूवी दबंग 4 जो कि उनकी सुपरहिट फ्रेंचाइजी दबंग का 4th सीक्वल होने वाली है और दबंग 3 के फ्लॉप हो जाने के बाद से दबंग 4 में काफी कुछ बदलने वाला है और सलमान दबंग 4 पे काफी मेहनत भी कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं क्या होगी दबंग 4 की कहानी। दबंग 4 की कहानी लखनऊ शहर से शुरू होती है जहां हमारे प्यारे सलमान भाई यानी कि चुलबुल पांडे का तबादला हो गया है, लेकिन इन दिनों लखनऊ का माहौल बहुत खराब है क्योंकि लखनऊ में कुछ नक्सली समूह एक्टिव हो गए हैं और उनके अंदर पुलिस का डर भी नहीं है। उल्टा पुलिस उन नक्सलियों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है, जिसके कारण जनता के बीच पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा है और पुलिस की इस छवि को सुधारने के लिए हमारे चुलबुल पांडे का तबादला लखनऊ में किया गया है। चार्ज लेने के बाद पहले ही दिन कमिश्नर चुलबुल पांडे को अपने ऑफिस बुलाते हैं, जहां कमिश्नर पहले लखनऊ में चुलबुल का स्वागत करते हैं और उसके बाद चुलबुल से पूछते हैं कि अब तक आपको लखनऊ शहर के हालात के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि इस समय शहर में नक्सली संगठन एक्टिव है। ये सुन चुलबुल कहता है, हाँ मुझे पता है। फिर कमिश्नर पूछते हैं, तुमने क्या सोचा है? तो चुलबुल कहता है कि क्या सोचूं, अगर वो माहौल खराब करेगा तो मैं उन्हें अपने अंदाज में जवाब दूंगा। बस आप मुझे मेरा काम करने दो और पॉलिटिक्स को मेरे काम के बीच में आने मत देना। जिसके बाद कमिश्नर कहते हैं, हाँ बेशक तुम्हें फ्री हैंड है, जो करना है करो, बस लखनऊ शहर को फिर से खुशहाल शहर बनाओ और लोगों के बीच फिर से पुलिस के लिए रिस्पेक्ट लाओ जो इन नक्सलियों की वजह से चली गई है। जिसके बाद कमिश्नर नक्सलवादियों की फाइल चुलबुल पांडे को दे देता है। चुलबुल उस फाइल को बड़े ही बारीकी से पढ़ता है और सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ जाता है, जिसके बाद वो एक प्लान बनाता है। अब चुलबुल पांडे ने क्या प्लान बनाया है और वो कैसे नक्सलवादियों को रोकेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चुलबुल रोक पाएगा नक्सलवादियों को। और साथ ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारे आज के राइटर हैं दिव्यांशु। क्यों किया गया चुलबुल पांडे का ट्रांसफर? कौन दे रहा है गांव के क्राइम को बढ़ावा? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों हमारे चुलबुल पांडे कितने चुलबुले हैं और वो अपने चुलबुले अंदाज में किस तरह से दुश्मनों की पिटाई करते हैं, धुलाई करते हैं, ये हम जानते हैं। इसीलिए तो शहर के डीसीपी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से चुलबुल का एक गांव में ट्रांसफर करते हैं ताकि वो किसी के मामले में टांग ना अड़ाए, क्योंकि वो किसी पॉलिटिशियन के अपने सीनियर के मामले में टांग अड़ाकर उनके खिलाफ जाकर उनकी परेशानी का कारण बनता है। इसीलिए अब उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों चुलबुल, उसकी बीवी रज्जो और उसका बेटा एक गांव में पहुंचते हैं। चुलबुल गांव में कदम रखता है तो देखता है कि गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है। ना गांव में कोई पढ़ रहा है, न कोई ढंग से काम कर रहा है और इस गांव का मुखिया कन्हैया लाल भी गांव के हालात सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। दोस्तों आगे आपको कहानी में बताते चलें कि एक दिन गांव के मोहन और राधा के घर में झगड़े होते हैं। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि मोहन राधा पर हाथ उठाता है, उसे घर से बाहर निकालता है। राधा पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है पर कन्हैया लाल उसे वहां पर रोकता है और उसे कहता है, घर लौट जाओ, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम गांव के मुखिया हैं और हम तय करेंगे, जाओ अपने पति के साथ रहो। ये बात पहुंचती है चुलबुल पांडे तक। फिर वो आकर कन्हैया लाल की खूब धुलाई करता है और राधा की कंप्लेन दर्ज करता है। फिर मोहन वहां पर आता है और उसकी भी अच्छी खासी धुलाई हो जाती है और चुलबुल उसे चेतावनी देता है कि इसके आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिर चुलबुल गांव की सैर करता है और गांव का स्कूल खुलवाने के लिए कहता है। वो बच्चों से कहता है कि तुम लोग हर रोज यहाँ सीखने आओगे। कन्हैया लाल को पता चलने के बाद वो गांव के बच्चों को और उनके घर वालों को धमकाता है कि गांव में रहना है तो घर में बैठे रहो। दूसरे दिन कोई स्कूल नहीं आता और चुलबुल ये देखकर हैरान होता है। फिर वो एक घर में जाकर बच्चे से पूछता है कि क्या हुआ। फिर एक बच्चा कहता है, मुखिया ने हमें घर पर बैठने के लिए कहा है। दोस्तों आगे आपको बता दें कहानी में कि चुलबुल जाकर कन्हैया लाल को कहता है कि बच्चों को डराने की जरूरत नहीं है, स्कूल खुलेगा भी और बच्चे जाएंगे भी। जब चुलबुल गांव के स्कूल में जाता है तो देखता है कि आसपास शराब की बोतल, कांच के टुकड़े और कुछ खाने की चीजें भी फैली हुई हैं। फिर वो कन्हैया लाल को पूछता है कि ये सब क्या है। वो कहता है, किसी ने सेलिब्रेशन किया होगा। चुलबुल को गुस्सा आता है कि स्कूल में ये सब करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। वो गांव का चप्पा चप्पा छान मारता है। तब उसे ये पता चलता है दोस्तों कि कन्हैया लाल ने एक बार भी शुरू किया है और वहां पर कई सारी लड़कियां नाच गाना भी करती हैं, जिसकी वजह से ही गांव का माहौल खराब हो रहा है। फिर चुलबुल बार में जाता है, नाच गाना करता है और सबको अरेस्ट करवाता है। दोस्तों आपको बता दें कि फिर कन्हैया लाल चुप नहीं बैठता, वो गांव में एक कार्यक्रम आयोजित करता है और उसके लिए मिनिस्टर को बुलाता है। अब ये कन्हैया लाल इस मिनिस्टर का ही सेवक है, मिनिस्टर पैसे देता है और कन्हैया लाल गाँव की परेशानी बढ़ाने का, सबको अनपढ़ रखने का और पैसे खाने का काम करता है। जब मिनिस्टर कार्यक्रम के लिए आता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, चुलबुल की भी तारीफ करता है। तभी चुलबुल का कांस्टेबल कहता है कि सर ये तो मिली भगत है। मिनिस्टर यह बार चलाने के लिए कन्हैया लाल को पैसे देता है ताकि इनका शराब का धंधा बढ़ जाए। फिर चुलबुल जाकर माइक पर मिनिस्टर को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देकर के कहता है कि हमारे मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमारे गांव का स्कूल देख चुके हैं, वो बच्चों के लिए सारा इंतजाम करेंगे, उन्हें किताबें उपलब्ध करवाएंगे, एक अच्छा प्लेग्राउंड बनवाएंगे, गांव के बार बंद करवाएंगे। अब वहाँ मीडिया भी होती है तो मिनिस्टर भला क्या कर सकता। मिनिस्टर कहता है कि ठीक है जैसा आप चाहोगे, और कन्हैया की तरफ देखकर गुस्सा होता है। चुलबुल कहता है कि साहब और कन्हैया लाल सबके सामने वादा कर रहे हैं, फिर क्या मिनिस्टर और कन्हैया लाल को सबके सामने वादा करना ही पड़ता है। मिनिस्टर को गुस्सा आता है और वो जाते जाते चुलबुल से हाथ मिलाकर कहता है, इसीलिए ट्रेडी ट्रांसफर हर जगह होती रहती है, पर फिक्र मत कर, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चुलबुल हंस कर कहता है कि सर अब आपको फिक्र करनी होगी। तो दोस्तों अभी तक के लिए स्टोरी में इतना ही, आगे क्या होगा इसको जानने के लिए आप बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। क्यों किया गया चुलबुल पांडे का ट्रांसफर, कौन दे रहा है गांव के क्राइम को बढ़ावा। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों हमारे चुलबुल पांडे कितने चुलबुले हैं और वो अपने चुलबुले अंदाज में किस तरह से दुश्मनों की पिटाई करते हैं, धुलाई करते हैं, ये हम जानते हैं। इसीलिए तो शहर के डीसीपी उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से चुलबुल का एक गांव में ट्रांसफर करते हैं ताकि वो किसी के मामले में टांग ना अड़ाए, क्योंकि वो किसी पॉलिटिशियन के अपने सीनियर के मामले में टांग अड़ाकर उनके खिलाफ जाकर उनकी परेशानी का कारण बनता है। इसीलिए अब उसका ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों चुलबुल, उसकी बीवी रज्जो और उसका बेटा एक गांव में पहुंचते हैं। चुलबुल गांव में कदम रखता है तो देखता है कि गांव के हालात कुछ ठीक नहीं है, ना गांव में कोई पढ़ रहा है, न कोई ढंग से काम कर रहा है, और इस गांव का मुखिया कन्हैया लाल भी गांव के हालात सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। दोस्तों आगे आपको कहानी में बताते चलें कि एक दिन गांव के मोहन और राधा के घर में झगड़े होते हैं। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि मोहन राधा पर हाथ उठाता है, उसे घर से बाहर निकालता है। राधा पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है पर कन्हैया लाल उसे वहां पर रोकता है और उसे कहता है घर लौट जाओ, पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम गांव के मुखिया हैं और हम तय करेंगे, जाओ अपने पति के साथ रहो। ये बात पहुंचती है चुलबुल पांडे तक, फिर वो आकर कन्हैया लाल की खूब धुलाई करता है और राधा की कंप्लेन दर्ज करता है। फिर मोहन वहां पर आता है और उसकी भी अच्छी खासी धुलाई हो जाती है और चुलबुल उसे चेतावनी देता है कि इसके आगे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों फिर चुलबुल गांव की सैर करता है और गांव का स्कूल खुलवाने के लिए कहता है। वो बच्चों से कहता है कि तुम लोग हर रोज यहाँ सीखने आओगे। कन्हैया लाल को पता चलने के बाद वो गांव के बच्चों को और उनके घर वालों को धमकाता है कि गांव में रहना है तो घर में बैठे रहो। दूसरे दिन कोई स्कूल नहीं आता और चुलबुल ये देखकर हैरान होता है। फिर वो एक घर में जाकर बच्चे से पूछता है कि क्या हुआ। फिर एक बच्चा कहता है मुखिया ने हमें घर पर बैठने के लिए कहा है। दोस्तों आगे आपको बता दें कहानी में कि चुलबुल जाकर कन्हैया लाल को कहता है कि बच्चों को डराने की जरूरत नहीं है, स्कूल खुलेगा भी और बच्चे जाएंगे भी। जब चुलबुल गांव के स्कूल में जाता है तो देखता है कि आसपास शराब की बोतल, कांच के टुकड़े और कुछ खाने की चीजें भी फैली हुई हैं। फिर वो कन्हैया लाल को पूछता है कि ये सब क्या है। वो कहता है किसी ने सेलिब्रेशन किया होगा। चुलबुल को गुस्सा आता है कि स्कूल में ये सब करते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। वो गांव का चप्पा चप्पा छान मारता है। तब उसे ये पता चलता है दोस्तों कि कन्हैया लाल ने एक बार भी शुरू किया है और वहां पर कई सारी लड़कियां नाच गाना भी करती हैं, जिसकी वजह से ही गांव का माहौल खराब हो रहा है। फिर चुलबुल बार में जाता है, नाच गाना करता है और सबको अरेस्ट करवाता है। दोस्तों आपको बता दें कि फिर कन्हैया लाल चुप नहीं बैठता, वो गांव में एक कार्यक्रम आयोजित करता है और उसके लिए मिनिस्टर को बुलाता है। अब ये कन्हैया लाल इस मिनिस्टर का ही सेवक है, मिनिस्टर पैसे देता है और कन्हैया लाल गांव की परेशानी बढ़ाने का, सबको अनपढ़ रखने का और पैसे खाने का काम करता है। जब मिनिस्टर कार्यक्रम के लिए आता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, चुलबुल की भी तारीफ करता है। तभी चुलबुल का कांस्टेबल कहता है कि सर ये तो मिली भगत है। मिनिस्टर यह बार चलाने के लिए कन्हैया लाल को पैसे देता है ताकि इनका शराब का धंधा बढ़ जाए। फिर चुलबुल जाकर माइक पर मिनिस्टर को यहाँ आने के लिए धन्यवाद देकर के कहता है कि हमारे मिनिस्टर साहब बहुत अच्छे हैं, वो हमारे गांव का स्कूल देख चुके हैं, वो बच्चों के लिए सारा इंतजाम करेंगे, उन्हें किताबें उपलब्ध करवाएंगे, एक अच्छा प्लेग्राउंड बनवाएंगे, गाँव के बार बंद करवाएंगे। अब वहाँ मीडिया भी होती है तो मिनिस्टर भला क्या कर सकता। मिनिस्टर कहता है कि ठीक है, जैसा आप चाहोगे, और कन्हैया की तरफ देखकर गुस्सा होता है। चुलबुल कहता है कि साहब और कन्हैया लाल सबके सामने वादा कर रहे हैं, फिर क्या मिनिस्टर और कन्हैया लाल को सबके सामने वादा करना ही पड़ता है। मिनिस्टर को गुस्सा आता है और वो जाते जाते चुलबुल से हाथ मिलाकर कहता है, इसीलिए तेरी ट्रांसफर हर जगह होती रहती है, पर फिक्र मत कर, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर चुलबुल हंसकर कहता है कि सर, अब आपको फिक्र करनी होगी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए स्टोरी में इतना ही। आगे क्या होगा, इसको जानने के लिए आप बने रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। किस सच से अनजान है चुलबुल, किसकी बेटी हुई लापता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। पर आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म दबंग 4 के बारे में। चुलबुल पांडे नाम तो सुना होगा? नहीं, ऐसा हम नहीं बल्कि चुलबुल यानी सलमान खान कहते हैं। उनका दबंग अवतार हमने दबंग फिल्म में देखा ही है और अब इस फिल्म का चौथा पार्ट आने की चर्चा चल रही है, तो हमने सोचा कि हम एक इंटरेस्टिंग कहानी आपके साथ शेयर करें जो शायद इस फिल्म में हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रात में एक लड़की डरते हुए घबराते हुए भाग रही है। उसके भागने के पीछे क्या वजह है ये तो नहीं पता, पर वो थोड़ी सी रो रही है और बहुत ज्यादा घबराई हुई है और वो अचानक से दौड़ते दौड़ते गाड़ी के सामने आती है और बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद हम देखते हैं कि ये लड़की है नैना यानी मोनी रॉय, जिसने बता दिया है कि वो क्यों डरी हुई है। और फिर ये सीन शिफ्ट होता है उस जगह जहां पर 4 गुंडे मौजूद हैं। फिर उनमें से एक के मुंह पर मारा जाता है और एक जोरदार मुक्का, और फिर एंट्री होती है हमारे चुलबुल पांडे की। दरअसल नैना बताती है कि वो गुंडे उसके पीछे लगे थे और उसे छेड़ रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने शराब भी पी रखी थी। इतना ही नहीं बल्कि नैना के पास जो सोने की चेन और अंगूठी थी वो भी उन शराबियों ने छीन ली थी। फिर क्या, चुलबुल ने अच्छी खासी धुलाई करने के बाद कांस्टेबल मुरली यानी कि सुनील ग्रोवर को कहा कि मुरली लाल जी, इन सबको जरा हवालात की हवा खाने के लिए भेज दीजिए। यहाँ पर नैना चुलबुल को धन्यवाद कहती है। चुलबुल उससे पूछता है कि आप कहाँ से आई है और इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, अच्छे घर से दिख रही हैं। तब नैना बताती है, मैं कानपुर में रहती हूँ और मेरा कुछ काम है यहाँ पर। चुलबुल कहता है, आप अभी कहाँ रहेंगी क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। तो नैना बताती है कि मैं कुछ एडजस्ट कर लूँगी, एक होटल देखा था मैंने। पर चुलबुल को ये सेफ नहीं लगता और इसीलिए वो उसे अपने घर चलने का सुझाव देता है। फिर चुलबुल घर जाकर नैना की अपनी पत्नी रज्जो यानी सोनाक्षी सिन्हा से मुलाकात करवाता है। अगले दिन चुलबुल नैना को लेकर पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है क्योंकि नैना की अंगूठी और चेन उन गुंडों ने छीन ली थी, इसीलिए वो एक छोटी सी कंप्लेन करे और अपने जेवर ले, ऐसा चुलबुल को लग रहा था। तब रज्जो आकर चुलबुल से कहती है, सुनिए, मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही। फिर चुलबुल कहता है, इतने कम टाइम में पहचान भी लिया, या फिर जेलस वाली फीलिंग आ रही है रज्जो रानी, और वो हंसकर निकल जाता है। दोनों एक साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं। नैना बाहर बैठती है, तभी वहां पर आते हैं एसीपी कुमार रस्तोगी यानी कुमुद मिश्रा। जब एसीपी कुमार पुलिस स्टेशन में आते हैं तो वो काफी हड़बड़ी में होते हैं, जैसे कि उन पर कोई प्रेशर हो। वो आते हैं, चुलबुल से मिलते हैं, पुलिस स्टेशन और गांव में हो रही केसेस के बारे में रिपोर्ट मांगते हैं। चुलबुल पूछता है कि क्या हुआ सर, कोई परेशानी है? तब कुमार कहते हैं, हाँ परेशानी है, तुमने टीवी नहीं देखा। चुलबुल कहता है, सर टीवी देखने का टाइम कहाँ होता है, आप इतना काम तो दे देते हैं। कुमार के एक लुक से चुलबुल को समझ आता है कि उसका मजाक उसे पसंद नहीं आया। तो चुलबुल कहता है, सर क्या बात है, मैंने नहीं देखा, बताइए तो। तब कुमार पुलिस स्टेशन में मौजूद टीवी ऑन करते हैं और दिखाते हैं कि टीवी पर मंत्री की बेटी हुई लापता, ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाई जा रही है। और फिर उस लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है और तस्वीर देख कर चुलबुल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि नैना होती है। फिर कांस्टेबल मुरली आकर चुलबुल के कान में कुछ कहने की कोशिश करता है। तब कुमार दोनों से पूछते हैं, क्या हुआ? चुलबुल कहता है, सर आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, और वो नैना की तरफ इशारा करता है। तब कुमार उस लड़की को देखकर कहता है, हाँ ये वही है। चुलबुल नैना को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम मंत्री जी की बेटी हो और यहाँ पर भाग कर क्यों आई हो। तब नैना चुलबुल को बाहर ले जाती है और बताती है, दरअसल मेरे पापा मेरी शादी कराना चाहते हैं उनके किसी दोस्त के बेटे से जो एक पॉलिटिशियन है और मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, पर मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है, इसीलिए मैं भाग कर आई हूँ। मेरे साथ ही साथ जिस लड़के से मेरी शादी कराई जा रही है वो गैरकानूनी काम करता है, ऐसा मुझे पता चला है, पर पापा को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद चुलबुल नैना की मदद करेगा या नहीं? क्या नैना सच में सच बोल भी रही है? जानने के लिए आपको अगली वीडियो तक का इंतजार करना पड़ेगा। फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। नक्सलवादी इलाकों से भेजी गई इंफॉर्मेशन के दम पर पुलिस वाले नक्सलवादी के मेन अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। असल में नक्सलवादियों के जासूसों ने पहले ही उन्हें इस बारे में चेतावनी दे दी थी कि पुलिस वाले कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन क्या करने वाले ये मालूम नहीं था, इसलिए नक्सलवादी पहले से ही तैयार थे। अब नक्सलियों और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और 15 घायल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को भी काफी नुकसान होता है, लेकिन इस फायरिंग के दौरान नक्सलियों का हेड उस इलाके से निकल जाने में सफल हो जाता है और जिसके कारण पुलिस वालों की ये रेड विफल हो जाती है। जब इसकी खबर नक्सलियों के इलाके में रहने वाले पुलिसकर्मियों को मिलती है तो वो डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर है कि अब कभी भी उनके राज खुल सकते हैं, क्योंकि नक्सलियों के दिमाग में एक बात आ रही है और वो बात ये है कि जिस जगह के बारे में उनके ग्रुप के अन्य लोग नहीं जानते सिवाय आला प्रबंधन के, उस जगह पर पुलिसकर्मी कैसे पहुंची। और फिर एक नक्सली कहता है हमारे बीच कोई पुलिस जासूस जरूर आया है, तो नक्सली का मुखिया कहता है हमारे टीम में कोई नया नहीं आया है, इसका मतलब कोई ना कोई हमारे इलाके में जरूर आया है और उसी ने हमारे अड्डे की जानकारी पुलिस को दी है। नक्सली इलाके में रहने वाले पुलिसकर्मियों को भी इस बात का पता चल जाता है और वो इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर को दे देते हैं। जब ये सूचना पुलिस कमिश्नर को मिलती है तो पूरा थाना स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर अपने पुलिसकर्मियों को इलाका छोड़ने के लिए कह देते हैं। तो चुलबुल पांडे कहते हैं ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ हम पर शक है कि पुलिस उनके एरिया में है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है और वो ये भी नहीं जानते कि वो जासूस कौन है। और हमारे पुलिसकर्मी वहाँ पर 4-5 महीने से रह रहे हैं, इसलिए अब उन्हें पहचाना भी मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें वहीं रहना चाहिए और इस मिशन को पूरा करना चाहिए। और जिसके बाद पुलिसकर्मी भी तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ चुलबुल पांडे का नेटवर्क चुलबुल पांडे को नक्सलियों के बारे में बताता है और जिसके बाद चुलबुल पांडे उन सभी निवेशकों को गिरफ्तार कर लेता है। जब नक्सलियों को इस बात का पता चलता है तो वो थाने पर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार चुलबुल पांडे तैयार है और इससे पहले कि नक्सली कुछ कर पाते चुलबुल पांडे उन पर हमला कर देते हैं और नक्सलियों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, जिससे कि नक्सलियों को भारी नुकसान होता है। और चुलबुल पांडे एक नक्सली को पकड़कर उसकी लोकेशन पूछते हैं। काफी टॉर्चर झेलने के बाद चुलबुल पांडे को वो लोकेशन बता देता है, जिसके तुरंत बाद नक्सलियों के इलाके में रहने वाले पुलिस नक्सलियों पर हमला कर देती है, लेकिन सिर्फ 3 लोग होने की वजह से बहुत देर तक नक्सलियों का मुकाबला नहीं कर पाती। तब चुलबुल पांडे वहां पहुंच जाते हैं और वो नक्सलियों के हेड को गोली मार देते हैं और लखनऊ शहर को नक्सलियों से मुक्त करा देते हैं। तो ये थी दबंगपुर की पूरी स्टोरी। उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए। आपका अपना चहेता चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों दविंदर सिंह को सन 2018 में राज्य सरकार की तरफ से गैलेंटरी मेडल दिया गया था। खबर ये भी थी कि सिंह को पदक स्वयं देश के राष्ट्रपति ने दिया है। इस पर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने अपनी सफाई दी है और कहा है कि इन्हें ये पदक स्वतंत्रता दिवस 2018 पर जम्मू कश्मीर राज्य द्वारा दिया गया। अपने ट्वीट में पुलिस ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि देवेंद्र सिंह को कोई वीरता पदक नहीं मिला है, उन्हें जो सम्मान मिला है वो राज्य सरकार ने इनकी सर्विस के लिए इन्हें दिया था। सन 2013 में लिखे गए एक पत्र में संसद में हुए हमले में शामिल अफजल गुरु ने बताया था कि कैसे डीएसपी दविंदर सिंह ने उनकी मदद की। अफजल गुरु ने अपनी चिट्ठी में कहा था कि ये डीएसपी सिंह ही थे जिन्होंने उसे और उसके साथी मोहम्मद को दिल्ली में रहने के लिए किराए का घर और कहीं आने जाने के लिए गाड़ी खरीदी थी। मजेदार बात तो ये है दोस्तों कि तब अफजल गुरु के इस खुलासे पर कोई जांच नहीं हुई थी और दागी अफसर तब भी अपनी ड्यूटी पर था। सन 2013 में लिखी गई अफजल गुरु की उस चिट्ठी का यदि अवलोकन किया जाए यानी ऑब्जर्वेशन किया जाए तो मिलता है कि सिंह मदद के नाम पर लगातार आतंकियों से पैसे ले रहा था। साथ ही गुरु ने यह भी बताया था कि सिंह ने ही उसकी पहचान मोहम्मद से कराई थी और कहा था कि वो उसे अपने साथ दिल्ली ले आए और घर दिलवा दे। पत्रकार परवेज बुखारी को दिए गए एक इंटरव्यू में दविंदर सिंह ने इस बात को स्वीकारा था कि उसने अफजल गुरु को टॉर्चर किया था। साथ ही सिंह ने इस बात को भी स्वीकारा था कि गिरफ्तारी के बावजूद उसने कभी इस गिरफ्तारी को पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया था। दोस्तों, बुराई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। फिलहाल कुछ ऐसा ही मामला दविंदर सिंह का भी है। पुराने अपराधों के भूत उन्हें लगातार डरा रहे हैं। अब जांच उनके उस एनकाउंटर की भी हो रही है जो सन 2017 में उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में किया था और जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था। दोस्तों, ध्यान रहे कि सिंह का मामला प्रकाश में आने के बाद अब कांग्रेस ये तर्क भी दे रही है कि सन 2019 में पुलवामा हमले के लिए भी दविंदर सिंह जिम्मेदार हैं। दविंदर पर बोलते हुए कांग्रेस ने कहा है कि सिंह उस बड़ी सी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस कहानी का कुछ पार्ट दबंग 4 में लिया जा सकता है जिसमें सलमान का रोल इसी इंस्पेक्टर की कहानी जैसा होगा, पर भारत में गद्दारी के लिए नहीं बल्कि अपने ही दुश्मनों को पकड़ने के लिए हो सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अपनी राय। और साथ ही जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। भारत पर बड़ा खतरा। जल्द ही रिलीज होने वाली बड़ी फिल्म दबंग पार्ट 4 की कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ने वाली है। अब दोस्तों, सीन शुरू होता है ऑफिसर हेमंत के केबिन से। असल में उनका नाम था हेमंत करकरे और वो अपने काम को लेकर सबसे ज्यादा डेडिकेटेड थे। ऑफिस में आते ही फाइल खोलना और जरूरी सिग्नेचर्स करना, फिर चाय पीना और उसके बाद घंटों अपने कंप्यूटर पर लगे रहना उनका रोज का स्केड्यूल था। और वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि मुंबई के एंटी टेररिस्ट अटैक ग्रुप के हेड ऑफिसर थे। अब हमेशा की तरह आज भी उन्होंने जाते ही लिखा पढ़ाई की और उसके बाद सिग्नेचर्स किए, जिसके बाद वो लग गए अपनी स्क्रीन पर। लेकिन आज स्क्रीन को देखकर उनके हाव भाव जरा बदले हुए थे। उन्हें स्क्रीन पर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती है, जैसे छोटी छोटी लाल चींटियां, लेकिन उन्हें जूम करके भी कुछ समझ नहीं आता। वो अंदर अपने सब ऑफिसर्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जरा देखिए ये कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है। जूनियर ऑफिसर कहते हैं, नहीं सर, और अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती तो स्क्रीन में से आवाज आती है और अजीब सी आवाज तो आ ही नहीं रही है। करकरे कहते हैं, लेकिन ये लाल ऑब्जेक्ट्स बहुत अनयूजुअल है। जूनियर ऑफिसर्स कहते हैं, हो सकता है कोई डिस्प्ले का डिफेक्ट हो, ऐसे ही शो हो रहा होगा और अगर कुछ भी होता है तो जरूर ऊपर से भी हमें कमांड्स आएंगे ही आएंगे। करकरे उसकी बात मान लेते हैं और उसके बाद फिर अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो लाल ऑब्जेक्ट्स उन्हें खटकते ही रहते हैं। वो अपने घर वापस जाते हैं और बीवी के साथ डिनर करते हैं। उनकी बीवी कविता उसे हर चीज में सपोर्ट करती है और वो अपने पति के गुणगान हर जगह गाती रहती है। वो कहती है कि उसे बहुत गर्व है कि वो हेमंत की पत्नी है, अपने देश के लिए वो काम करता है। हेमंत रात में कविता से स्क्रीन पर लगे उस ऑब्जेक्ट्स की बात करता है और कहता है, वो बहुत अजीब सी चीज थी, मतलब अगर कुछ होता तो जरूर सबको खबर जाती, लेकिन बस वो रोज जैसी इमेजेस नहीं थी। कविता कहती है, शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसा कोई मेरा पति है, लेकिन आप इतना स्ट्रेस मत लो, अगर कुछ होता तो आपके ऊपर से कमांड्स तो आपको आ ही जाती। करकरे कहते हैं, हाँ, सब ऑफिसर्स भी यही कह रहे थे और दोनों सो जाते हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या है ये अजीब ऑब्जेक्ट्स और क्या बॉर्डर पार होने वाली है कोई दुर्घटना? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज। आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। सलमान खान की इस हरकत के बाद नक्सली गुट का सरगना सलमान यानी हमारे चुलबुल पांडे से बदला लेने के मूड में है और वो इसके लिए सही वक्त का इंतजार कर रहा है और इस बात की भनक चुलबुल पांडे को भी है। लेकिन इसके बावजूद चुलबुल पांडे बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और वो अपनी टीम को बोलते हैं, इससे पहले नक्सली कोई कार्रवाई करें उसके पहले ही हम उनके बचे हुए ठिकाने का पता लगा लेते हैं और उन पर छापा मार देते हैं ताकि उन्हें संभलने का मौका ना मिले। और हम उन्हें जल्द से जल्द इस खूबसूरत शहर से बाहर निकालें। इसके लिए सभी पुलिसकर्मी तैयार हो जाते हैं और सबसे पहले अपने खबरियों से संपर्क करते हैं, लेकिन ज्यादातर खबरी इस काम के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब पुलिस कहती है कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मैं अपने सर चुलबुल पांडे की ओर से आपसे वादा करता हूँ। ये सुनने के बाद सब खबरी मान जाते हैं और उनका ठिकाना पता लगाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि नक्सलियों के बारे में कुछ पता चलता, नक्सली 2-3 थानों पर हमला कर देते हैं और उस हमले में 15 पुलिसकर्मियां मारे जाते हैं और 25 घायल हो जाते हैं। जिसके बाद नक्सलवादी समूह का मुखिया जोर शोर से ऐलान करता है कि अगर पुलिसकर्मी अपनी कार्रवाई बंद नहीं करेंगे तो मैं भी अपनी कार्रवाई बंद नहीं करूँगा। अगर पुलिसकर्मी मेरे 5 आदमियों को मारेंगे तो मैं उनके 15 आदमियों को मार डालूंगा। और अपने इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे से कहो दम है तो रोक कर दिखा। ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है और अब ये कोई स्थानीय मुद्दा नहीं रहता। अब देश की केंद्र सरकार इस मुद्दे में हस्तक्षेप करती है और यूपी के मुख्यमंत्री से जवाब मांगती है। जवाब में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, हम बहुत जल्द उनसे इस हमले का बदला लेंगे और लखनऊ शहर को एक बार फिर से खुशहाल शहर बनाएंगे। पूरे देश में लखनऊ पुलिस की इस हार का ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर चुलबुल पांडे पर और उनके काम करने के तरीके पर। मीडिया उस पर सवाल उठाते हुए बोल रही है, पहले दिन आते ही नक्सलवादियों पर हमला किया वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद चुलबुल पांडे ने अपनी डिफेंस में क्यों कोई तैयारी नहीं की? क्या उन्हें नहीं पता था कि उनके इस एक्शन का कोई रिएक्शन भी आएगा? और ऐसे ही कई सारे सवाल उनसे देश के मीडिया पूछ रही है। मीडिया के बढ़ते दबाव और केंद्र सरकार के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने चुलबुल पांडे और पुलिस कमिश्नर को मीटिंग में बुलाया। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री चुलबुल और कमिश्नर से क्या बात करते हैं? जल्दी रिलीज होने वाली बड़ी फिल्म दबंग पार्ट 4 की कहानी कुछ ऐसे आगे बढ़ने वाली है। अब दोस्तों सीन शुरू होता है ऑफिसर हेमंत के केबिन से। असल में उनका नाम था हेमंत करकरे और वो अपने काम को लेकर सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड थे। ऑफिस में आते ही फाइल खोलना, ज़रूरी सिग्नेचर्स करना, चाय पीना और उसके बाद घंटों अपने कंप्यूटर पर लगे रहना, उनका रोज़ का यही शेड्यूल था। और वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि मुंबई के एंटी टेररिस्ट अटैक ग्रुप के हेड ऑफिसर थे। अब हमेशा की तरह आज भी उन्होंने जाते ही लिखा पढ़ाई की और उसके बाद सिग्नेचर्स किए, जिसके बाद वो लग गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेकिन आज स्क्रीन को देखकर उनके हाव भाव जरा बदले हुए थे। उन्हें स्क्रीन पर इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे छोटी छोटी लाल चीटियां, लेकिन उन्हें जूम करके भी कुछ समझ नहीं आता। वो अंदर अपने सब ऑफिसर को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जरा देखिए ये कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं है? जूनियर ऑफिसर कहता है, नहीं सर, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती तो स्क्रीन में से आवाज़ आती है ना, अजीब सी आवाज़ तो आ नहीं रही। करकरे कहता है, लेकिन ये लाल ऑब्जेक्ट्स बहुत अनयूजुअल है। जूनियर ऑफिसर कहता है, हो सकता है कोई डिस्प्ले का डिफेक्ट हो, ऐसे ही शो हो रहा होगा, अगर कुछ भी होता तो हमें ज़रूर ऊपर से सारी कमांड्स आती। करकरे उसकी बात मान लेता है और उसके बाद फिर अपने काम पर लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वो लाल ऑब्जेक्ट्स खटकते रहते हैं। वो अपने घर वापस जाता है और बीवी के साथ डिनर करता है। उसकी बीवी कविता उसे हर चीज़ में सपोर्ट करती थी और वो अपने पति के गुणगान हर जगह गाती थी। कहती थी कि हेमंत उसका पति है जो अपने देश के लिए काम करता है। हेमंत रात में कविता से स्क्रीन पर लगे उन ऑब्जेक्ट्स की बात करता है और कहता है, वो बहुत अजीब सी चीज़ थी, मतलब अगर कुछ होता तो ज़रूर सबको खबर जाती है, पर वो रोज़ जैसी इमेजेस तो नहीं थी। कविता कहती है, शायद आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप जैसा इंसान मेरा पति है, लेकिन आप इतना स्ट्रेस मत लो, अगर कुछ होता तो आपको ऊपर से कमांड्स आ ही जाती। करकरे कहता है, हाँ, सब ऑफिसर भी यही कह रहा था। तो दोस्तों आखिर क्या है ये अजीब ऑब्जेक्ट्स और क्या बॉर्डर पर होने वाली है कोई बड़ी दुर्घटना? जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतज़ार। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। सलमान खान की इस हरकत के बाद नक्सली गुट का सरगना सलमान यानी कि हमारे चुलबुल पांडे से बदला लेने के मूड में है और वो इसके लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं और इस बात की भनक हमारे चुलबुल पांडे को भी है। लेकिन इसके बावजूद चुलबुल पांडे बिल्कुल भी नहीं घबराते हैं और वो अपनी टीम को बोलते हैं इससे पहले कि नक्सली कोई कार्रवाई करे उसके पहले हम उनके बचे हुए ठिकाने का पता लगा लेते हैं और उन पर छापा मार देते हैं ताकि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिले और हम उन्हें जल्द से जल्द इस खूबसूरत शहर से बाहर निकाल दें। और इसके लिए सभी पुलिसकर्मी तैयार भी हो जाते हैं और सबसे पहले अपने खबरियों से संपर्क करते हैं, लेकिन अधिकतर खबरी इस काम के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन जब पुलिस कहती है कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, मैं अपने सर चुलबुल पांडे की ओर से आपसे ये वादा करता हूँ, ये सुनने के बाद खबरी मान जाते हैं और बाकी नक्सलियों के ठिकाने के बारे में पता लगाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि नक्सलियों के बारे में कुछ पता चलता, नक्सली 2-3 थानों पर हमला कर देते हैं और उस हमले में 15 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और 25 घायल हो जाते हैं। जिसके बाद नक्सलवादी समूह का मुखिया जोर शोर से ऐलान करता है कि अगर पुलिसकर्मी अपनी कार्रवाई बंद नहीं करेंगे तो मैं भी अपनी कार्रवाई बंद नहीं करूंगा। अगर पुलिस वाले मेरे 5 आदमियों को मारेंगे तो मैं उनके 15 आदमियों को मार डालूंगा। जाओ और अपने इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे से कह दो, दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल जाती है और अब कोई स्थानीय मुद्दा ये नहीं रहा था। अब देश की केंद्र सरकार भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप करती है और यूपी के मुख्यमंत्री से जवाब मांगती है। जवाब में मुख्यमंत्री कहते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोकने के लिए, हम बहुत ही जल्द उनसे इस हमले का बदला भी ले लेंगे और लखनऊ शहर को एक बार फिर से खुशहाल शहर बना देंगे। पूरे देश में लखनऊ पुलिस के इस हार को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर चुलबुल पांडे पर और उनके काम करने के तरीके पर। मीडिया उस पर सवाल उठाते हुए बोल रही है पहले दिन आते ही नक्सलवादियों पर हमला किया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद अपने डिफेंस में चुलबुल पांडे ने तैयारी क्यों नहीं की? क्या उन्हें पता नहीं था कि उनके एक्शन का रिएक्शन आएगा? और ऐसे कई सारे सवाल उनसे देश की मीडिया पूछ रही है। मीडिया के बढ़ते दबाव और केंद्र सरकार के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने चुलबुल पांडे और पुलिस कमिश्नर की एक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में मुख्यमंत्री चुलबुल पांडे और कमिश्नर से क्या बात करते हैं ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और तब तक के लिए आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या चुलबुल पांडे अपने इस असफलता को सफलता में बदल पाएंगे या फिर नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे? एंड दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। नक्सलवादी इलाकों से भेजी गई इन्फॉर्मेशन के दम पर पुलिस वाले नक्सलवादी के मेन अड्डे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। असल में दोस्तों, नक्सलवादियों के जासूसों ने पहले ही उन्हें खबर से चेतावनी दे दी थी कि पुलिस कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन क्या करने वाली है ये नहीं पता था, इसलिए नक्सलवादी पहले से ही तैयार थे। अब नक्सलियों और पुलिस के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और 15 घायल भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नक्सलियों को भी काफी नुकसान होता है, लेकिन इस फायरिंग के दौरान नक्सलियों का हेड उस इलाके से निकल जाने में सफल हो जाता है, जिसके कारण पुलिस वालों की ये रेड विफल हो जाती है। जब इसकी खबर नक्सलियों के इलाके में रहने वाले पुलिसकर्मियों को मिलती है तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर है कि अब कभी भी उनके राज खुल सकते हैं। क्योंकि नक्सलियों के दिमाग में एक बात आ रही है और वो ये है कि जिस जगह के बारे में उसके ग्रुप के अन्य लोग नहीं जानते सिवाय आला प्रबंध के, उस जगह पर पुलिसकर्मी कैसे पहुंचे। फिर एक नक्सली कहता है हमारे बीच कोई पुलिस जासूस जरूर आया है, तो नक्सलियों का मुखिया कहता है हमारी टीम में कोई नया नहीं आया है, इसका मतलब कोई ना कोई हमारे इलाके में जरूर आया है और उसी ने हमारे अड्डे की जानकारी पुलिस को दी है। नक्सली इलाके में रहने वाले पुलिसकर्मियों को भी इस बात का पता चल जाता है और वो इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर को दे देते हैं। जब ये सूचना पुलिस कमिश्नर को मिलती है तो पूरा थाना स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके बाद कमिश्नर अपने पुलिसकर्मियों को इलाका छोड़ने के लिए कहते हैं। तो चुलबुल पांडे कहते हैं ऐसा करना बेवकूफी होगी, क्योंकि अभी उन्हें सिर्फ हम पर शक हुआ है कि पुलिस उनके एरिया में रह रही है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है और वो ये भी नहीं जानते कि वो जासूस कौन है और हमारे पुलिसकर्मी वहाँ 4-5 महीने से रह रहे हैं, इसलिए अब उन्हें पहचानना मुश्किल होगा। इसलिए उन्हें वहीं रहना चाहिए और इस मिशन को पूरा करना चाहिए, जिसके लिए पुलिसकर्मी भी तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ चुलबुल पांडे का नेटवर्क चुलबुल पांडे को नक्सलियों के बारे में बताता है, जिसके बाद चुलबुल पांडे उन सभी निवेशकों को गिरफ्तार कर लेते हैं। जब नक्सलियों को इस बात का पता चलता है तो वो थाने पर हमला करने आते हैं, लेकिन इस बार चुलबुल पांडे तैयार है और इससे पहले कि नक्सली कुछ कर पाते चुलबुल पांडे उन पर हमला कर देते और नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं देते, जिससे नक्सलियों को भारी नुकसान होता है और चुलबुल पांडे एक नक्सली को पकड़कर उसकी लोकेशन पूछते हैं। काफी टॉर्चर झेलने के बाद वो चुलबुल पांडे को लोकेशन बताता है, जिसके तुरंत बाद नक्सलियों के इलाके में रहने वाली पुलिस नक्सलियों पर हमला कर देती है, लेकिन सिर्फ 3 लोग होने की वजह से ज्यादा देर तक नक्सलियों का मुकाबला नहीं कर पाती और तब चुलबुल पांडे वहां पहुंच जाते हैं और वो नक्सलियों के हेड को गोली मार देते हैं और लखनऊ शहर को नक्सलियों से मुक्त करा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी दबंग 4 की कहानी। आपको कैसी लगी है हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। है कि दंगल से गोरखपुर हॉस्टल तक का सफर तय कर कुश्ती कहाँ कहाँ सीखा, प्रो कुश्ती के वो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। कहा जाता है कि अनुज चौधरी जहां कहीं भी अपनी सेवा देने जाते हैं वहां वो युवाओं के बीच जल्द ही रोल मॉडल बन जाते हैं और अपराधी उनके नाम से ही खौफ खाने लगते हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ कई अपराधियों का एनकाउंटर किया है, तो बड़े बड़े अपराधियों को गिरफ्तार भी किया था। जब अनुज चौधरी यूपीएसटीएफ में तैनात थे तब नोएडा से लेकर अलीगढ़ तक उन्होंने अपराधियों के मन में दहशत पैदा कर दी थी। फिर बिहार के कुख्यात इनामी बदमाश अमित मंडल को अनुज ने नोएडा में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। फिर आगे इसी तरह से नोएडा में 1 लाख रुपए के इनामी सिंहराज भाटी, रणदीप भाटी और मुजफ्फरनगर में 1 लाख रुपए के इनामी विनोद, 50,000 के इनामी जोगिंद्र को अनुज चौधरी ने गिरफ्तार किया था। दोस्तों, वहीं अलीगढ़ में लूट के लिए कुख्यात विकास खुजली का अपनी टीम के साथ मिलकर उन्होंने एनकाउंटर भी किया था और इन एनकाउंटर में अनुज को गोली भी लगी थी, लेकिन इन सब के बावजूद इस निडर पुलिस वाले ने अपने अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, पर उसके बाद अनुज की पोस्टिंग दादरी में हुई और तब वहां लोग जुए के अड्डे से काफी परेशान थे। बताया जाता है कि दादरी में कई अलग अलग जगहों पर लोग खुलेआम जुआ खेलते थे। सूचना मिलने के बाद अनुज ने जुए के इस नेटवर्क को पकड़ने का ठान लिया और इस नेटवर्क को डेमोलाइज करने के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने आम जनता के बीच अपनी बेहतरीन छवि बना ली। नतीजा ये हुआ कि स्थानीय लोग अनुज को खुद फोन करके जुए के अड्डों की जानकारी देने लगे और फिर अनुज ने इन जुआरियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। दोस्तों, ये कहानी थी दबंग फिल्म के रियल लाइफ दबंग की। आखिर कैसे बना ये पुलिस वाला रियल लाइफ दबंग, और यही कहानी हो सकती है अब अगली दबंग यानी कि दबंग 4 की। दोस्तों, आप दबंग 4 के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय। इस बार कौन लेगा चुलबुल पांडे से दुश्मनी? क्या सलमान ने खुद ही किया अपने विलेन का सिलेक्शन? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सोशीन आपका स्वागत करती हूं आपके पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। साल 2010 में एक ऐसी मूवी आई थी जिसने बॉलीवुड में पुलिस वालों का रुतबा बढ़ा दिया, जिसने बॉलीवुड को एक्शन की नई परिभाषा सिखाई, जिसने फिल्म में आइटम नंबर्स की वैल्यू बढ़ा दी। दरअसल हम बात कर रहे हैं सलमान खान स्टारर दबंग सीरीज की। 2010 में दबंग का पहला पार्ट रिलीज हुआ था, तब से ही ये सिलसिला चलता आ रहा है। इस फिल्म का एक अलग ही फैन बेस है जो इसके गानों, कलाकारों की एक्टिंग और फिल्म की कहानी को बेहद पसंद करता है। वहीं अब ऑडियंस की इसी प्यार से मजबूर होकर मेकर्स ने इसका अगला पार्ट रिलीज करने का प्लान किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको जल्द ही बड़े पर्दे पर दबंग की 4थी इंस्टॉलमेंट देखने को मिलेगी, जिसके लिए फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। वैसे अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाइए। सलमान खान की इस फिल्म में जितनी इम्पोर्टेंस चुलबुल पांडे अका सलमान खान की होती है, उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है फिल्म के विलन की। आखिर ये फिल्म सुपरहिट होती ही विलन वर्सेस हीरो की कहानी की वजह से है। तो अब जब दबंग के 4थे पार्ट की बात शुरू हो ही गई है तो आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इस बार फिल्म का विलन कौन होगा। तो चलिए हम आपको इसका जवाब देते हैं। दरअसल ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस बार फिल्म में साउथ सुपरस्टार राहुल देव विलेन की भूमिका में नजर आ सकते हैं। यूँ तो राहुल देव को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि राहुल देव साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े विलन हैं। इन्होंने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों में विलन का किरदार निभाया है। आशिक, अशोक, इंडियन चैंपियन, चलो इश्क लड़ाएं और ओमकारा जैसी फिल्मों में इन्हें देखा गया है। और अब खबर आ रही है कि ये दबंग 4 में सलमान खान के अपोजिट देखे जाएंगे। हालांकि अभी इसे लेकर मेकर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। दबंग 4 के विलन से रिलेटेड एक और न्यूज़ मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि दबंग की चौथी इंस्टॉलमेंट के लिए राहुल देव को एज अ विलन चूज़ करना सलमान खान का डिसीजन है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में आ रहा है कि सलमान खान ने ही राहुल देव का नाम सजेस्ट किया था। उनके अनुसार राहुल देव का फेस एक एंग्री यंग मैन जैसा है। वहीं इस बार फिल्म में विलन एक पॉलिटिशियन होने वाले हैं और ये रोल राहुल देव के ऊपर फिट बैठेगा। फिलहाल सलमान खान ने सिर्फ अपना एक डिसीजन दिया है। मेकर्स इस बात को मानते हैं या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। अमित प्रभुदेवा की डायरेक्शन में क्यों हुई फ्लॉप दबंग 3? क्या होने वाली है फिल्म में छेदी सिंह की एंट्री? जानेंगे हम ये सब इसी वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियो। मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दबंग फ्रेंचाइजी स्वागत करने वाली है अपनी अगली फिल्म का, यानी कि दबंग 4 का, और इसके मेन लीड एक्टर्स हैं सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा। और इस बार फिल्म के डायरेक्टर हैं तिग्मांशु धुलिया। ये वही डायरेक्टर है जो अपनी एक्टिंग और अपनी राइटिंग दोनों के लिए ही काफ़ी फेमस है, और दबंग 4 में भी ये दोनों की भूमिका निभाएंगे, यानी कि डायरेक्टिंग और राइटिंग। तो जब से तिग्मांशु धुलिया की न्यूज़ आई है सामने कि ये करने वाले हैं दबंग 4 को डायरेक्ट, तब से सारे लोग कह रहे हैं प्रभुदेवा को कि उनकी डायरेक्शन कितनी बुरी थी जिसकी वजह से हुई दबंग 3 फ्लॉप। तो क्या यही रीजन था दबंग 3 के फ्लॉप होने का या नहीं, जानते हैं इसे भी हमारी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं लेके चलती हूँ दबंग फ्रेंचाइजी के स्टार्टिंग के सफर में। जी हाँ दोस्तों, अभिनव कश्यप लाए थे 2010 में दबंग का फर्स्ट पार्ट। इस पार्ट ने सारी जगह तहलका मचा दिया था अपनी एक्टिंग, अपने जोक्स, अपने इमोशन के साथ। सलमान खान का चुलबुल पांडे वाला रूप, सोनू सूद की एक्टिंग और हमारी रज्जो रानी, इन सब की जोड़ी जो मिली थी और उनका यूपी वाला अंदाज, इन सब ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। उसके बाद 2012 में आई इनका सेकंड पार्ट, जिसे किसी और डायरेक्टर ने करा था डायरेक्ट। वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उसने भी बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। इन सारी पिक्चरों ने अपने बजट का डबल ट्रिपल करके दिया बॉक्स ऑफिस पे। फिर 2019 में आई दबंग 3। जी हाँ दोस्तों, दबंग 3 को प्रोड्यूस करा था प्रभुदेवा सर ने। जी हाँ दोस्तों, दबंग 3 को डायरेक्ट करा था प्रभुदेवा सर ने। और तब से लोग कह रहे हैं कि ये सारी गलती है प्रभुदेवा सर की फिल्म हुई फ्लॉप। तो क्या ये सच है? क्या आप लोगों ने फिल्म की स्टोरी देखी है? क्या फिल्म की स्टोरी में ज़रा भी दम था? क्या एक्टिंग में ज़रा भी दम था? चुलबुल पांडे का जो हम जॉलीपन जानते थे, वो जॉलीपन ना रह के ओवर एक्टिंग में बदल चुका था। सारे के सारे कैरेक्टर्स कर रहे थे ओवर एक्टिंग। सोनाक्षी सिन्हा की भी कुछ नहीं पता था वो क्या कर रही हैं फिल्म में, और उनका जो यूपी वाला अंदाज था वो भी नहीं था। छेदी सिंह वो भी नहीं थे। तो जब फिल्म की स्टोरी में ही इतनी कमी थी, तो आप कैसे किसी डायरेक्टर को बोल सकते हैं कि उनकी डायरेक्शन की वजह से फिल्म हुई फ्लॉप? तो हम बस यही चाहते हैं तिग्मांशु धुलिया इन बातों का ध्यान रखें, कहीं उन पर भी ये इल्ज़ाम ना लगने लगे। तो आज के लिए बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कौन निभाएगा सलमान खान के बेटे का किरदार? क्यों छोड़ा भाई ने भाई का साथ? कैसी फाइटिंग सीन होंगे फिल्म में? हेलो एवरीवन, मैं जिसका मैं स्वागत करती हूँ आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियो में। ताकते रहते तुझको शाम और सवेरे, जी हाँ मैं थक गई हूँ। थिएटर्स के चेहरे ताकते ताकते पता नहीं कब आएंगी भाईजान की मोस्ट अवेटेड फिल्म दबंग। मेरा तो इंतजार अब खत्म हो गया है, और अगर आप भी इस इंतजार में हैं तो आपका भी इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। जल्द ही भाईजान की फिल्म दबंग 4 बड़े पर्दे पर आने वाली है, जिसमें इस बार कुछ उल्टा ही खेल खेला जाएगा। भाईजान बनेंगे नेता और उनकी बीवी बनेंगी अभिनेता, मतलब की पुलिस ऑफिसर। हम सब जानते हैं कि बीवी से कोई बात छुपाई नहीं छुपती है, चाहे लाख कोशिश कर लो। और अब तो बीवी खुद पुलिस ऑफिसर ही बन गई है, तो चुलबुल पांडे के सभी राज का पर्दाफाश तो होना बनता ही है। हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि चुलबुल पांडे इस साम्राज्य का एक छुपा हुआ विभीषण भी होने वाले हैं, और एक विभीषण और कोई नहीं बल्कि उनका अपना ही भाई होगा। अब बताओ, सोचने वाली बात यह है कि क्या जरूरत पड़ गई एक भाई को अपने भाई को ही धोखा देने की, जब जब भाई भाई पर जान कुर्बान करता था। अब वही बात जिस पर सब मरते हैं, पैसों की माया, जिसके जाल से आज तक कोई भी नहीं निकल पाया। दरअसल क्या होता है, भाईजान के भाई यानी कि फिल्म में मौजूद मक्खन चंद पांडे को भाईजान की राइवल टीम अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करती है। पहले तो वे उनके सौतेलेपन का फायदा उठाते हैं और भाईजान के भाई को ज्यादा पैसे देकर उन्हें अपनी टीम में लेने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने फिल्म में पिछले 3 सीक्वल में देखा है कि मक्खन चंद पांडे इतने मासूम हैं कि किसी की भी बातों में आ जाते हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए राइवल टीम उन्हें अपने साथ शामिल कर लेती है। और फिर क्या, इशारा उनका होगा और भाईजान के भाई के ही कदम होंगे। हमारे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाईजान को हम सब मुसीबत से उन्हीं का ही बेटा बचाएगा, मतलब चुलबुल का एक धन्ना सा बुलबुल इस फिल्म में जवानी के जोश में डूबते हुए नजर आएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कौन निभाएगा चुलबुल के बेटे का किरदार। वैसे तो इंडस्ट्री में एक्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन चुलबुल को अपना दीवाना बनाना यह भी किसी खेल से कम नहीं है। तो देखते हैं इस खेल का विजेता कौन होता है। क्या बताया, वे सूरज पंचोली हो या फिर कोई और, या फिर अनिल कपूर का बेटा हर्षवर्धन हो, या फिर शायद वरुण धवन की। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्रेंड में तो कार्तिक आर्यन ही चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भला कौन सा एक्टर होगा जो सलमान खान के साथ बिग स्क्रीन शेयर नहीं करना चाहेगा। सब इस मौके की तलाश में पागल हुए घूमते रहते हैं, और अब यह मौका शायद और किसी को नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन के हाथ में ही लगेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि अगर यह बात सच होती है तो कार्तिक और सलमान की जोड़ी फिल्म की टीआरपी को कितना हाई ले जाती है और दर्शक इसे कितना पसंद करते हैं। भाई फिल्म दबंग है तो फाइटिंग सीन्स भी जबरदस्त होंगे। इस फिल्म में आपको एक से बढ़कर एक फाइटिंग सीन नजर आएंगे, क्योंकि इस फिल्म में एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन दबंग नजर आने वाले हैं। पहले दबंग खान, दूसरी सोनाक्षी सिन्हा और तीसरा उन्हीं का बेटा जो पता नहीं कौन है। बड़ा खिलाड़ी है ना तू, तो खेल भी बड़ा ही होगा तेरे साथ। कहाँ है तेरा भाई? शुक्र है कि वो यहाँ नहीं है। दिन गिनना शुरू कर दे पांडे, वक्त तुम्हारा खराब आया और दिन हम गिने। क्या दबंगबाज मास्टर दे पाएंगे आज की यूथ को टक्कर? क्या अनबिलीवेबल एक्शन होगा फिल्म में? क्या होगी भाईजान की नई चाल? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज, और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनता मांगे मोर। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। चिपका ले सैया फेविकॉल से। लगता है इस बात को सलमान खान ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, तभी तो फिर से अपनी फिल्म को लेकर आ गए हैं हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर। ऐसे चिपक गए हैं जैसे मानो फेविकोल का मजबूत जोड़ लगा लिया हो। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप, मैं जल्द ही भाईजान की आने वाली फिल्म दबंग 4 की ही बात करने वाली हूँ, जो हमें दिखने वाली है। आजकल के बढ़ते कल्चर को देखकर अब तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं भाईजान की वो पुरानी स्टाइल फीकी ना पड़ जाए। आप सभी को KGF फिल्म तो याद ही होगी, और RRR, उसका तो क्या ही कहना। उन सब से तो इतना जबरदस्त एक्शन था कि उनके आगे हमारे बॉलीवुड का एक्शन तो काफी फीका पड़ गया है। और अभी हाल ही में रिलीज होने वाली ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर सभी के होश उड़ा देने वाला है, और उसके बाद भाईजान की सिंपल दबंग फिल्म। मुझे तो अभी भी डाउट है कि कहीं ये फिल्म इन फिल्मों के आगे स्टैंड भी कर पाएगी या नहीं। इंडस्ट्री के यूथ ने फिल्म बनाने के लेवल को इतना हाई कर दिया है कि अब उस लेवल तक पहुंचने के लिए भाईजान को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया बदल रही है। अब नाम से नहीं काम से बात बनेगी। उसी को देखते हुए भाईजान अपनी फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीन्स का ही परफॉर्मेंस देंगे, जिन्हें देखकर हम इस फिल्म में आने वाली फिल्मों से मैच कर पाएंगे और भाईजान को भी 5 स्टार रिव्यू दे पाएंगे। फिलहाल तो फिल्म के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही शुरू होगी वैसे ही ये तो कंफर्म है कि इस बार भाईजान फिल्म बनाने के लिए लोमड़ी का दिमाग इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने स्टाइल, अपने चार्म का भी बोनस पॉइंट यूज करेंगे। तो जब दोनों चीजें मिल जाएगी और तो भाईजान फिल्म मतलब भाईजान की फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाएगी और सिनेमाघरों में आग लग जाएगी। आपको क्या लगता है कि भाईजान के यूथ से लगना चाहिए डर? हमें अपने आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और दबंगबाज बनिए लेकिन गलत काम मत कीजिए। ऐसी ही चटपटी खबरों का मजा लेने के लिए बने रहे हमारे साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मिलती हूँ अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का। सलमान ने आखिर क्यों की सोनाक्षी सिन्हा और साई मंजरेकर की तुलना? स्टार किड्स सारा अली खान, जानवी कपूर और अनन्या पांडे के बारे में ये क्या बोल बैठी महेश मंजरेकर की लाडली। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्रीजोनी और मैं आपका स्वागत करती हूँ आज बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। सलमान खान बॉलीवुड के उन गिने चुने सितारों में से एक है जिनकी चाहे कितनी भी फिल्में क्यों ना अनाउंस हो जाए, लेकिन दर्शकों का ध्यान हमेशा उनकी अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट पर ही रहता है और वह उनसे जुड़ी सारी खबरों को जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ अभी सलमान की दबंग फ्रेंचाइजी की चौथी इंस्टॉलमेंट के साथ भी हो रहा है। वैसे तो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस में इस फिल्म से जुड़ी कई खबरें दी थी, जैसे कि फिल्म की कहानी क्या हो सकती है और फिल्म में किस रियल लाइफ दबंग की कहानी को दर्शाया जा सकता है, लेकिन आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ नई खबर। दबंग 3 में सलमान खान का होना तो उसके हिट होने की वजह थी, लेकिन फिल्म में एक और कारण थी जिसकी वजह से फिल्म इतना हिट हुआ और वह और कोई नहीं, फिल्म में नजर आई अभिनेत्री साई मंजरेकर थी। फिल्म के रिलीज होने के बाद कई लोगों ने उनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश की, तो आज हम अभिनेत्री से जुड़ी सभी खबरें लेकर आपके लिए हाजिर है, जिसे जानने के लिए आपको बस हमारे वीडियो को अंत तक देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दबंग 3 साई मंजरेकर की ऑफिशियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन फिल्मों में फिल्मों की दुनिया में तो उन्होंने उसी दिन कदम रख दिया था जिस दिन उन्होंने सलमान खान के साथ एक अवार्ड फंक्शन में एंट्री ली। उसी दिन अपने फैशन सेंस और सलमान के साथ अपनी दोस्ती से साई ने पूरी मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। दबंग में सलमान के साथ काम करके साई भी बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई जिनका करियर सलमान ने शुरू करवाया है, जैसे कि कटरीना कैफ, जरीन खान, डेजी शाह, आथिया शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा और प्रणुतल बहल आदि। सलमान ने अवार्ड शो में तो साई के तारीफों के फूल बांध दिए थे। उन्होंने तो ये तक भी कहा था कि साई टैलेंटेड है, इसीलिए वह दबंग 3 का हिस्सा है। इनके पिता ने भी दबंग में एक भूमिका निभाई है। बता दें कि साई के पिता और कोई नहीं बल्कि दबंग फिल्म में हरिया का किरदार निभाने वाले महेश मांजरेकर ही है। उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ वर्ष पहले बॉलीवुड की दबंग गर्ल यानी कि सोनाक्षी सिन्हा को भी उन्होंने ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए अब शुरू करते हैं साई की जीवनी से। इस खूबसूरत अभिनेत्री का जन्म भी सपनों के शहर मुंबई में ही हुआ है। 29 अगस्त 1998 को जन्मी साई की परवरिश भी एक मराठी परिवार में ही हुई है। साई के पिता महेश मांजरेकर भारतीय सिनेमा के एक श्रेष्ठ अभिनेता है। दूरदर्शन की एक मराठी सीरीज से अपना करियर आरंभ करने वाले महेश आज एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक, लेखक और निर्माता भी हैं। महेश ने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया है। अपने अभिनय के लिए उन्हें कई बार सराहा भी गया है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी महेश ने खूब नाम कमाया है। महेश की दूसरी पत्नी और साई की मां मेधा मांजरेकर भी मराठी इंडस्ट्री की एक बेहतरीन अभिनेत्री और निर्माता है। साई की बड़ी बहन अश्वमी मांजरेकर भी एक प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्री है। साई के छोटे भाई सती मांजरेकर भी मनोरंजन की दुनिया से लगातार जुड़े हुए हैं। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली साई बचपन से ही सिनेमा की ओर आकर्षित रही है। स्कूल में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में भी वह पूर्ण रूप से हिस्सा लेती थी। साई ने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से अभिनय के कई कोर्स करे हुए हैं और अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं से पूरी करी है। सुनने में आया है कि मुंबई में ही कॉलेज टाइम से एक बॉयफ्रेंड भी साई का है, लेकिन इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। अपने करियर की शुरुआत की थी। उनके फैशन सेंस के लिए उन्हें हर तरफ से बेहद प्रशंसा प्राप्ति हुई। इस सब से उनके हौसलों को और भी मजबूती मिली और वो और भी बुलंद कर दिए गए। 2019 में दबंग 3 के ऑडिशन के बाद उन्हें फिल्म के लिए सलमान खान के विपरीत चुन लिया गया। जब महेश मांजरेकर से जिन्होंने इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई है, फिल्म में साई के होने पर उनकी फीलिंग्स के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी भी माता पिता के लिए वह पल बहुत ही खुशी का होता है जब उनके बच्चों को वो करने को मिले जो वो हमेशा से ही करना चाहते थे। वह हमेशा से एक एक्टर बनना चाहती थी और इतनी सक्सेसफुल फिल्म से डेब्यू मिलने पर मैं उसके लिए अवश्य बहुत ही प्रसन्न हूँ। जब साई से फिल्म की शूटिंग और सलमान खान के साथ काम करने पे उनका अनुभव के विषय में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सलमान सर बहुत ही अच्छे हैं और उनके साथ एक फिल्म में होना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। मैं तो बहुत खुश थी कि सलमान सर को सीधी सादी खुशी की शक्ल मुझ में दिखी। एक इंटरव्यू में जब उनसे स्टार किड्स अनन्या पांडे, सारा अली खान और जाह्नवी के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं उनकी फिल्मों के साथ उनके इंटरव्यूज़ को भी फॉलो करती हूँ। अपनी बात बोलते समय उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वह मैं अपने अंदर भी लाना चाहती हूँ। हालांकि मुझे पता है कि इसे हासिल करने में काफ़ी समय लगता है। अगर आप उन फैंस में से एक है जिन्हें साई ने दबंग 3 में अपनी अदाकारी से अपना दीवाना बना दिया था तो आपको बता दें कि आपको उनकी अगली फिल्म के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वह जल्द ही तेलुगु में बनने वाली और हिंदी में डब होने वाली फिल्म मेजर में दिखने वाली है। फिल्म की कहानी मुंबई में घटित 26/11 की दर्दनाक घटना पर आधारित होगी। फिल्म की स्क्रिप्ट को चुनने को लेकर साई ने कहा कि मेरे लिए स्क्रिप्ट और किरदार द्वारा छोड़ी गई छाप बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है और मैं स्वयं को किसी भी एक भाषा तक सीमित नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं तो इस तेलुगु फिल्म को करने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। सलमान के बदौलत साई की पहली फिल्म तो बहुत हिट रही। अब उनकी आने वाली फिल्मों का क्या हश्र होगा ये तो उनकी प्रतिभा पर ही निर्भर करेगा। हालांकि हम ज़रूर चाहेंगे कि वह केवल महेश मांजरेकर की बेटी बनकर ना रहे बल्कि साई मांजरेकर के नाम से अपने स्वयं हालांकि हम ये ज़रूर चाहेंगे कि वह केवल महेश मांजरेकर की बेटी बनकर ना रहे बल्कि साई मांजरेकर के नाम से अपने स्वयं का पहचान ज़रूर बनाएं। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको साई की अदाकारी अच्छी लगती है और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आज का हमारा स्क्रिप्ट लिखा है उपासना पांडे ने। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे आज विदा लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। क्या होगी दबंग 4 में चुलबुली की एंट्री? फिल्म बनाने से पहले ही ये किस मुसीबत में पड़ गए निर्माता अरबाज खान। स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में, मैं हूँ पूनम और आज हम बात करने जा रहे हैं चुलबुल पांडे की। अगर पांडे जी नाम सुनकर आपको दबंग के चुलबुल पांडे की याद नहीं आती तो शायद आप भी अभी तक कहीं सीटी बजाने में मशगूल थे। जी हाँ, आज का हमारा ये वीडियो सलमान खान की उसी बंदा सतरंगी पुलिस किरदार चुलबुल पांडे वाली फिल्म दबंग के चौथे इंस्टॉलमेंट के बारे में। दबंग 3 को रिलीज हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, लेकिन फैंस के दबंग 4 के लिए मांग करनी शुरू कर दी। लेकिन आपको तो पता ही है कि अभी हमारे सुल्तान खान कितनी सारी फिल्मों के साथ व्यस्त हैं, तो क्या दबंग 4 सचमुच आएगी? और अगर यह फिल्म बनती भी है, इसकी कहानी क्या होगी और क्या इसमें भी वही पुराने किरदार नजर आएंगे जो हमें कुछ नया दिखाने को मिलेगा? इन सभी खबरों को जानने के लिए आपको हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं फिल्म के छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। दबंग 2010 में शुरू हुई रोमांस कॉमेडी एक्शन ड्रामा फिल्म की फ्रेंचाइजी है, तो वहीं फिल्म के निर्माता की भूमिका सलमान खान के भाई अरबाज खान ने निभाई है। इस फिल्म में भी शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में कदम रखा था। सलमान, सोनाक्षी के अलावा फिल्म में हमें विनोद खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, सोनू सूद आदि दिग्गज अभिनेताओं का भी अभिनय देखने को मिला। इस फिल्म की सक्सेस के बाद निर्माता 2012 में इसके दूसरे भाग के साथ वापस बड़े पर्दे पर लौटे। बाकी कास्ट को सेम रखकर केवल विलन के किरदार में इस बार हमें प्रकाश राज की भूमिका देखने को मिली। यह कहानी वहीं से शुरू की गई जहां पिछली बार खत्म हुई थी और ऐसी ही फिल्म का तीसरा भाग 2019 में रिलीज किया गया। इसमें सुदीप ने मुख्य खलनायक की भूमिका निभाई। बता दें कि यह तीनों ही फिल्म एक बिंदास और करप्ट पुलिस ऑफिसर चुलबुल पांडे और उसके परिवार की कहानी पर आधारित है। चुलबुल पांडे के सेंस ऑफ ह्यूमर से बड़े डायलॉग और रिलेटेबल इमोशंस ने दर्शकों के दिल में अपनी खास जगह बना ली और यही कारण है कि एक ही फ्रेंचाइजी और एक ही कहानी के 3 भाग को बार बार देखकर भी फैंस का मन नहीं भर रहा और वहीं इस श्रृंखला के चौथे इंस्टॉलमेंट भी मांग करने लगे। हालांकि इसका जवाब देने के लिए निर्माताओं ने भी ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। दबंग 3 के रिलीज के वर्ष में ही सलमान ने साफ कर दिया कि दबंग 4 की स्क्रिप्ट बनकर पहले से ही तैयार है और यह फिल्म भी जल्द ही तैयार हो जाएगी। पूछे जाने पर कि क्या हमें फिल्म में कोई लेडी पुलिस भी दबंगई करती मिलेगी, उन्होंने दबाव से ना कह दिया। इसमें यह तो साफ है कि फिल्म में केवल एक ही दबंग रह सकता है और वह हमारे भाईजान। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की, तो हो सकता है कि इस बार हमारे चुलबुल पांडे और उनके भाई मक्खी किसी बहुत ही मुश्किल मिशन के लिए अब्रॉड जाएं, जहां के कुछ सहायकों से मदद ले, वो भी ग्लोबल डॉन का सामना करें। इससे तो यह तय है कि सलमान के साथ उनके भाई अरबाज का रोल भी पक्का है। हालांकि हो सकता है कि इस बार सोनाक्षी फिल्म में मुख्य किरदार के तौर पर नजर ना आए, लेकिन उनके कुछ सीन जरूर रहेंगे। किन्हीं नई अभिनेत्रियों ने फिल्म में एंट्री की और संभावना है, जिसमें कृति सेनन का नाम शीर्ष पर है। बात करें उस किरदार की जिस पर फिल्म के बाद बदला लिया गया, यानी कि विलन की, तो संभावना है कि इस बार किसी ऐसे अभिनेता को विलन बनाया जाएगा जिन्हें अधिकतर बार पावरफुल एक्शन हीरो के रोल में देखा गया। वैसे भी अभी पिछले कुछ समय में हमेशा लीड के तौर में देखा जा सकता है कि अभिनेताओं को खलनायक के रूप में पेश करने का ट्रेंड चल रहा है। रोबो 2.0 के अक्षय कुमार को ले लीजिए, या फिर KGF 2 में संजय दत्त, या फिर सूर्यवंशी के जैकी श्रॉफ। हालांकि इस पर अभी तक कोई फाइनल नेम सामने नहीं आया है और कोई भी आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है। वैसे तो इस फिल्म के जल्द बनने की कोई आसार वैसे भी नहीं दिख रहे, लेकिन अभी अरबाज खान जिस मुसीबत में फंस गए हैं उसके बाद तो फिल्म के तैयार होने में थोड़े और दिन जोड़ लीजिए। बातें कुछ ऐसी है कि पिछले दिन BMC ने कोविड के नियम पालन करने के इल्जाम के साथ सोहेल खान, उनके बेटे निर्वाण खान और भाई अरबाज खान को क्वारंटीन के लिए ताज लैंड एंड होटल भेज दिया था। उन्हें दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उन्हें बांद्रा में स्थित एक होटल में ठहरना था, लेकिन वे तीनों ही अपने घर चले गए। ऐसे में तीनों के खिलाफ मुंबई पुलिस ने सोमवार को कोविड-19 संस्थागत प्रथवाकस नियमों के कथित उल्लंघन का मामला दर्ज किया। अब उन पर ये कहानी कानूनी रिस्ट्रिक्शंस का भटाया जाता है। फिल्म दबंग 4 पर कब काम शुरू होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अगर आप सलमान को जल्द से जल्द बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि वह इस साल आपके लिए कई सारी फिल्में लेकर आ रहे हैं, जिनमें अंतिम, किक 2, कभी ईद कभी दिवाली, राधे योर मोस्ट वांटेड भाई आदि शामिल है। तो आपको सलमान की अदाकारी देखने के लिए कोई ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपको बॉलीवुड से जुड़ी नई खबरों के लिए इंतजार करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत है। आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है उपसाना पांडे ने। दबंग 4। फिल्म दबंग 4 के द्वारा बड़े पर्दे पर किस रियल लाइफ दबंग की कहानी को दिखाया जाएगा? फिल्म के रिलीज के पहले ही क्यों बताया जा रहा है इस ब्लॉकबस्टर को हिट? स्वागत है आपका बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। चुलबुल पांडे तो आपको याद ही होंगे और आप में से कईयों ने तो अपनी दबंग फ्रेंचाइजी के तीनों ही फिल्मी को ना जाने कितनी ही बार देखा होगा, और आप ये जानने के लिए भी उत्सुक होंगे कि फिल्म का चौथा भाग कब आ रहा है। तो आप जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट प्रिशा के साथ बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ चटपटी बातें इस ब्लॉकबस्टर फिल्म से रिलेटेड। वैसे तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि फिल्म के निर्माता ने पहले ही उनकी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है और वे जल्द ही सलमान खान के साथ बड़े पर्दे पर दबंग 4 लेकर आएंगे, और हो सकता है कि इस बार फिल्म की कहानी साउथ इंडियन फिल्म गोलीमार से इंस्पायर्ड होगी, जिसकी कहानी भी हमने आपको पहले बताई थी। एक छोटे से रिकैप के लिए, यह फिल्म एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की है जिसे अपनी बहादुरी के कारण एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना दिया जाता है, लेकिन कुछ करप्ट ऑफिसर उन पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद हमारा ये ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक गैंगस्टर बन जाता है और उन भ्रष्टाचारी पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक लड़ाई लगता है। यह तो थी फिल्म की कहानी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहानी पूरी तरह रियल नहीं है, बल्कि एक रियल लाइफ दबंग से इंस्पायर्ड है, और इस फिल्म की इस सच्चाई ने निर्माताओं को इसका हिंदी वर्जन बनाने पर मजबूर कर दिया। फिर वे कौन से ऑफिसर हैं जिनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस फिल्मी कहानियों से भी ज्यादा थ्रिल से भरी हुई है? आज हम आपको भारत के उसी बहादुर शेर पुलिस ऑफिसर दया नायक के बारे में बताएंगे, इसलिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दया नायक ने 1995 में बॉम्बे पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था। उनके हाथों पर पहला एनकाउंटर 31 दिसंबर की रात हुआ, जब उन्होंने छोटा राजन के 2 सदस्यों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, क्योंकि उनकी गैंग ने उन पर गोलियां चलाई थी। इसके बाद उन्हें गैंगस्टर्स का सामना करने वाली फोर्स में ही दाखिल कर दिया गया। यह काम इतना सरल नहीं था। 1997 में उन्हें 2 बार गोली लगी और एक गैंगस्टर ने उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। हालांकि हमारे शेर दयानायक ने एक हीरो की तरह बेहोश होने से पहले उस गैंगस्टर को मार दिया था। 2004 तक में उन्होंने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में 83 गैंगस्टर्स को मार डाला था। नायक का मानना है कि वह एक ट्रिगर खुश आदमी नहीं है, लेकिन अधिक रक्तपात और तबाही को रोकने के लिए बदमाशों को मारना उनकी मजबूरी है। लेकिन प्रतिष्ठा का यह सफर उनके लिए इतना आसान नहीं था। उनकी कहानी की तरह ही उन पर भी कई बार इल्जाम लगाए गए, लेकिन कोई भी इल्जाम साबित ना हो पाया। इसकी शुरुआत 2003 में हुई, जब किरण तिरोडकर नामक एक पत्रकार ने दया पर अंडरवर्ल्ड से संबंध होने का इल्जाम लगाया, लेकिन कई बार जांच पड़ताल के बाद भी नायक पर यह इल्जाम साबित ना हो सका, बल्कि पता चला कि तिरोडकर के ही दुबई के छोटा डॉन शकील के साथ लिंक्स थे। इसके बाद साल 2006 में भी एंटी करप्शन ब्यूरो के एसीपी भीमराव घागड़े ने नायक पर भ्रष्टाचार से पैसे जमा करने का आरोप लगाया। यह केस थोड़ा लंबा चला, यहाँ तक कि नायक द्वारा स्थापित स्कूल पर भी रेड पड़ी। उन पर इल्जाम लगे कि उन्होंने अपनी पत्नी और सबॉर्डिनेट के जरिए कंपनियों से पैसे हड़पे हैं। यही नहीं, उन पर स्विट्जरलैंड में प्रॉपर्टीज होने का और गोवा में पैसे ट्रांसफर करने का इल्जाम लगाया गया, जिससे उन्हें साफ इनकार कर दिया। नायक के सपोर्टर का मानना है कि उनके सहकर्मियों ने उन्हें फंसाया है, और नायक की माने तो घाघड़े ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी ऑफिसर है। कुछ समय बाद इस इल्जाम के पुख्ता सबूत ना होने के कारण नायक को क्लीन चिट दे दी गई। सिलसिला यही नहीं रुका। अब तक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो और उस पर झूठे एनकाउंटर का इल्जाम न लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नायक भी इससे बच ना सके। 2008 के फेमस सोहराबुद्दीन शेख फेक एनकाउंटर के खुलासे के बाद से ही एक ऐसे केस से इनका नाम भी जुड़ा, और इल्जाम लगाने वाला और कोई नहीं था बल्कि पत्रकार तिरोडकर ही थे, जिनके अनुसार नायक ही गुजरात पुलिस द्वारा एनकाउंटर में मारे गए सादिक जमाल की मौत के जिम्मेदार थे। उनके अनुसार गुजरात पुलिस ने नायक से क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़े एक मुस्लिम लड़के की मांग की थी, जिसे नायक ने सादिक जमाल की शक्ल में पूरा किया। हालांकि ये इल्जाम भी 2010 में झूठा साबित हो गया। नहीं, कंफ्यूज मत होइए, हम किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये रियल लाइफ पुलिस इंस्पेक्टर दया नायक की कहानी थी, जिसमें इसके बाद भी काफी मोड़ आए। तो आप समझ सकते हैं कि जब केवल ये कहानी इतने सारे ट्वीट्स और टर्न से भरपूर है तो फिर फिल्म जिसमें कल्पना की कोई सीमा नहीं होती, उसमें तो धमाकेदार म्यूजिक, एक्शन, डायरेक्शन और डायलॉग के साथ यह बड़े पर्दे पर कितनी ही जमी होगी। इसलिए इस पर बनी तेलुगु फिल्म गोलीमार को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि अगर आज भी किसी चैनल पर यह फिल्म आ रही हो तो रिमोट को छूने का दिल ही नहीं करता। अब क्या अरबाज और उनकी टीम इसी मैजिक को रिक्रिएट करने में सफल हो पाएगी, यह तो हमें आने वाले समय ही बताएगा। आप हमें जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या सलमान खान पुलिस इंस्पेक्टर दयानायक के इस किरदार को बड़े पर्दे पर बखूबी निभा पाएंगे। और भी चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहें बॉलीग्राज स्टूडियोज के साथ। ये कहानी लिखी है बाय उपासना पांडे। शुक्रिया। दबंग फुल कैसे किया साजिद खान ने दबंग खान सलमान खान का खुलासा, कैसे होने वाली है दबंग 4 एंड दबंग 3 से अलग। सलमान खान के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म में शुमार दबंग को 10 साल हो चुके हैं। सलमान इस फिल्म में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे की भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म के साथ ही सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी फिल्म का पहला डेब्यू शुरू किया था। इस फिल्म को अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में सलमान और सोनाक्षी के अलावा सोनू सूद, अरबाज खान, डिम्पल कपाडिया, माही गिल और विनोद खन्ना जैसे सितारे नजर आए थे। सलमान का दबंग वाला हुक स्टेप काफ़ी पॉपुलर है। उनके इस स्टाइल को लोग खूब कॉपी करते हैं। अब उनके इस डांस स्टेप का खुलासा हुआ है कि उन्होंने इसे कहां से खोजा था। हाल ही में इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड की शूटिंग के दौरान इन सभी सेलिब्रिटीज़ ने मंच पर कुछ ज़ोरदार परफॉर्मेंस देकर सभी को चौंका दिया। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस देखकर सभी के होश उड़ गए थे। इस सुपरस्टार ने अपने गानों पर एक ज़ोरदार परफॉर्मेंस देकर मंच पर धूम मचा दी और इसके बाद ही उन्होंने अपने दोस्तों के बारे में एक दिलचस्प राज भी खोला जो इस शो का हिस्सा हैं। हालांकि उनके दोस्त भी पीछे नहीं रहे, जब मीका सिंह ने कुछ किस्से सुनाकर ये बताया कि सलमान कैसे सबसे बड़े शरारती हैं, तब साजिद खान ने भी एक राज खोलते हुए बताया कि सलमान ने अपने एक रिश्तेदार की शादी में एक अंकल से फिल्म दबंग का हुक स्टेप चुराया था। सलमान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनकी दबंग फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म बनने के लिए तैयार है। वह प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित दबंग 3 के साथ पुलिस चुलबुल पांडे के अवतार में वापस आ चुके हैं, लेकिन सलमान ने पहले ही श्रृंखला के चौथे अध्याय को देखना शुरू कर दिया है और इस पर काम करने के लिए भी तैयार हैं। सलमान ने एक इंटरव्यू में कहा, ये बहुत मुश्किल है जब आपको एक ऐसे फ्रेंचाइजी को आगे ले जाना होता है, लेकिन उन्होंने दबंग 4 की कहानी और स्क्रिप्ट ढूंढ ली है। ये कभी कभी होता है जैसे कि रॉकी या रैम्बो सीरीज, जिसकी कहानी को आगे बढ़ाना इतना आसान होता है। सलमान खान ने ये भी कहा कि दबंग 4 दबंग 3 से काफ़ी अलग है और दबंग 3 एक सेमी प्रीक्वल है, क्योंकि दबंग 3 ये अतीत और वर्तमान दोनों को दिखाती है। अपने करियर के दौरान सलमान ने एक एक्शन स्टार के रूप में अपने इमेज स्थापित की है, लेकिन उनका मानना है कि अगर किसी फिल्म में इमोशन नहीं तो एक्शन माइंडलेस होता है। चाहे आप फिल्म में जितना मर्जी कूदते रहें, पंच मारते रहें या किक मारते रहें, अगर फिल्म में इमोशंस को सही जगह पर सेट नहीं किया तो फिल्म बेमतलब है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी लिखी है सानिया भार्गव ने और इसे रिसाइट किया है प्रशा ने। तो दोस्तों, आखिर क्यों थी दबंग 3 दबंग और दबंग 2 के मुकाबले फ्लॉप और क्या थी दबंग 3 की कहानी। तो दोस्तों नमस्ते सलाम, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज पर और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं हमारी अपकमिंग मूवी दबंग 4 के बारे में। तो दोस्तों सलमान खान की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर चलने के लिए सिर्फ और सिर्फ सलमान खान की जरूरत होती है, फिर चाहे फिल्म में कहानी और एक्टिंग हो या ना। दबंग खान की फिल्में हिट की गारंटी मानी जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है जब बिग बैनर, बिग बजट और जबरदस्त हाइप के बावजूद भी सलमान खान की फिल्म उम्मीद के मुताबिक बिजनेस नहीं कर पाती। जब सलमान खान की दबंग 3 रिलीज हुई थी तो फिल्म को मिला जुला रिस्पांस मिला था। दूसरी तरफ देश में CAA के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन की वजह से भी दबंग 3 की कमाई पर असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही थी। आपको बता दें कि सलमान खान की फिल्में बहुत कम ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती है। आखिरी बार सलमान खान और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म युवराज ने खास कलेक्शन नहीं किया था। अब सलमान खान और कटरीना की जोड़ी ने भी फिल्म के कलेक्शन में चार चांद नहीं लगा पाए थे। कमजोर स्क्रिप्ट की वजह से फिल्म को डूबने से बेचारे सलमान और कटरीना की जोड़ी भी नहीं बचा पाई। हालांकि युवराज के गाने जो थे वो सुपर डुपर हिट थे। मूवी ने भारत में 16.89 करोड़ कमाए थे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अब दबंग 3 की। आखिर ऐसा क्या था दबंग 3 में जो फिल्म को नहीं बचा पाया? आपको बता दे कि फिल्म की कहानी इंस्पेक्टर धाकड़ पांडे से शुरू होती है जो बाद में चुलबुल पांडे बन जाते हैं। अब फिल्म की कहानी में बीती दबंग पार्ट की तरह फ्लैशबैक है, इसलिए फिल्म को सीधा समझना तो आम सा लड़का जो सुपर हिट है लेकिन घर वालों के लिए नकारा है, उसे माँ और पिता से बहुत प्यार है लेकिन घर में मौजूद सुलोचना मौसी सिर्फ ताने मारती है। धाकड़ का एक भाई है मक्खी जिसके किरदार को अरबाज खान ने निभाया है जो अपने भाई के कहने पर ही चलता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और धाकड़ को खुशी जो कि सई मांजेरकर है से प्यार हो जाता है। दोनों के परिवार वाले शादी के लिए तैयार भी हो जाते हैं लेकिन तभी खुशी पर बाली की नजर पड़ती है। वो उसे एक तरफा प्यार करने लगता है लेकिन जब उसे धाकड़ और खुशी के प्यार का पता चलता है तो खुशी समेत पूरे परिवार को धाकड़ के सामने मार देता है। लेकिन मुकदमा चलता है धाकड़ पर और मिलती है सजा। अब फिल्म में सलमान खान अपने पुराने अंदाज में पहले से कहीं ज्यादा जवान नजर आ रहे थे। एक्टिंग के मामले में सलमान का अंदाज भले पुराना हो लेकिन पर्दे पर दबंग में उनकी एंट्री दर्शकों को सीटी और ताले बजाने पर मजबूर कर ही देती है। अब फिल्म में सोनाक्षी अपने रज्जो के किरदार में पहले की तरह है, हालांकि दबंग की बीवी का किरदार उन्होंने अच्छा निभाया है। चुलबुल की प्रेमिका बनी साई मंजेरकर का फिल्म से डेब्यू हुआ है। फिल्म में विलन के रोल में किच्चा सुदीप ने शानदार काम किया है। अब जल्द ही दबंग 4 में सलमान खान का किरदार फिर से आने वाला है नजर। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या दबंग 4 कर पाएगी सलमान के फैंस को खुश? तो दोस्तों हमें दबंग 4 के ऊपर अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूले। और हमारी आज की राइटर है सान्या भार्गव। सलमान की सब हीरोइन ने लिया साउथ की फिल्मों का सहारा। किस तरह दबंग 4 के लिए कर रही है साउथ फिल्म इंडस्ट्री इंतजार? सलमान खान की फिल्म के किस फिल्म ने मचाया सोशल मीडिया पर हंगामा? दबंग 4 को लेकर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टॉलीवुड भी इंतजार। क्यों 2012 में सलमान ने पहली बार फिल्म दबंग में पुलिस वाले की वर्दी को पहना। उसी वक्त तेलुगु सिनेमा के सलमान खान यानी पवन कल्याण ने भी दबंग पुलिस वाले के किरदार को बड़े पर्दे पर निभाया। इस फिल्म का नाम था गब्बर सिंह और इसे दबंग की तेलुगु वर्जन बताया गया। फिल्म में पवन कल्याण के साथ श्रुति हसन नजर आई तो बॉलीवुड की दबंग में सलमान खान सोनाक्षी ने रज्जो का किरदार निभाया। फिल्मों की बात करें तो इस अभिनेता कितनी भी उम्र का हो हमेशा हीरो का ही किरदार निभाता है, जैसे सलमान, शाहरुख, आमिर, सैफ, ऋतिक और अक्षय कुमार। लेकिन हीरोइन हमेशा एक कम उम्र की लड़की ही होती है। अब देखिए ना हेलीकॉप्टर लीला और त्रिवान में कॉलेज जो काजोल है टीनेजर्स की माँ के किरदार में नजर आए। तो अब अक्षय की हीरोइन रवीना टंडन को अहम किरदार की मिलना बंद हो गया। वहीं जो विलन का किरदार ही एक ऐसा किरदार है जिसमें उम्र नहीं देखी जाती। प्रेम चोपड़ा हो या प्राण जिन्होंने कई सालों तक विलन के किरदारों में बेहतरीन अभिनय किया लेकिन आज के विलन काफी हिट हो गए। अब बिना 6 पैक एब्स और मजबूत बाहों के आपको कोई सीरियल किलर नहीं लगेगा। लगता है तभी सलमान खान की फिल्म के ये विलन आजकल अपनी बॉडी पर तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दबंग 3 में सलमान के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे एक्टर किच्चा सुदीप फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला अलग है। पिछली बार फिल्म और इसके बाद सलमान खान द्वारा कीमती कार गिफ्ट किए जाने पर किच्चा चर्चा में आए थे पर इस बार उनकी चर्चा खुद उनकी वजह से। किच्चा इस बार अपने नए अवतार के प्राण चर्चा में। हाइट तो एक्टर की मस्त है कि अब जिम के पसीना बहाकर जिस तरह से उन्होंने बॉडी तैयार की है फैंस उनसे बॉस बुलाने लगे। किच्चा ने कई तस्वीरें जिनसे शेयर की उनमें से सभी कभी मेहनत की तारीफ करते। किच्चा का शरीर वास्तव में लग रहा है जैसे लोहा। माना जा रहा है कि किच्चा अगले किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। बता दें कि दबंग 3 में भले सलमान और किच्चा सुदीप एक दूसरे के जान के दुश्मन बने लेकिन रियल लाइफ में उनकी दोस्ती काफी मजबूत हो चुकी है। सलमान ने उन्हें एक शानदार संशोधवादी कार BMW गिफ्ट की थी। सलमान ने उनके पास से बहुत खुश हुए और सभी जानते हैं कि अगर सलमान खुश हो तो फिर बॉलीवुड में आगे भी आपको जर्नी जारी होने वाली। हालांकि ये फिल्म दबंग 4 तो नहीं होगी लेकिन दबंग 3 में ही सुदीप के किरदार बल्ली का खत्म हो गया था। वहीं अगर बात करें सलमान की हीरोइन की तो सलमान ने कई बार एक टैलेंट को मौका दिया जिसमें सबसे पहला नाम था स्नोहा अलाल जो स्नोहा के ऐश्वर्या राय की तरह दिखने की वजह से खासी पब्लिसिटी मिली जो कि किसी जमाने में सलमान की गर्लफ्रेंड होती थी। सलमान द्वारा लॉन्च किए जाने के बावजूद स्नेहा को फिल्म करियर के उस मुकाम पर नहीं पहुंचा जा सका जिसकी उम्मीद की जा रही। इसके बाद स्नेहा ने मलयालम फिल्म जैसे अंगने त्रिनेगु और तेलुगु फिल्म जैसे मर्ता काज, अंथिनी, मायोलोन और जैसी फिल्मों में काम किया। स्नेहा के बाद जरीन को फिल्मों से ज्यादा सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ से मिलती जुलती शक्ल के लिए दिखाया। उन्हें सलमान ने 2010 में फिल्म वीर से बॉलीवुड के लॉन्च किया गया था, जो कि फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद ज़रीन हाउसफुल 2, हेट स्टोरी 3 जैसी फिल्मों में देखी, लेकिन ये भी फ्लॉप रही। ज़रीन ने भी तेलुगु फिल्म चाणक्य और विक्रम संग 2017 की फिल्म करी कालम में अभिनय किया था। इसी तरह सलमान खान ने जो डेही शाख, आतिया शेट्टी, इनके साथ दमन टीम की खुशी यानी साई मांजरेकर को भी लॉन्च किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है प्रज्ञा जायसवाल और क्यों उनका नाम सलमान से जोड़ा जा रहा है? प्रज्ञा की आजकल काफी चर्चाओं में है क्योंकि वो बॉलीवुड के दबंग सलमान के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। इसके साथ ही हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये प्रज्ञा जायसवाल है कौन, जिसे इतने बड़े स्टार अपने साथ फिल्म मिल गयी। प्रज्ञा जायसवाल साउथ इंडस्ट्री की स्टार, तेलुगु में उनकी कई फिल्में हिट हो चुकी है। प्रज्ञा ने साल 2014 में वेरुटू आई डेगू से डेब्यू किया था। उनकी सुपरहिट तेलुगु फिल्मों में मिर्ची बॉय, जय जानकी नायक, बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। प्रज्ञा जबलपुर से है और उनकी उम्र 30 साल की। प्रज्ञा ने बॉलीवुड में T2 MBS नाम की फिल्म से एंट्री की थी, जिसके फिल्म में उनकी ऑपोजिट निशांत दहिया थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली भी नहीं। फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ जो है, उसकी शूटिंग के बाद ये खबर लीक हुई कि इसमें प्रज्ञा जायसवाल थी। उसी के बाद अभिनेत्री चर्चा में बन चुकी है। इस फिल्म में सलमान पुलिस के किरदार में दिखेंगे और उनके जीजा उसके आयुष शर्मा एक गैंगस्टर की भूमिका। वहीं अगर प्रज्ञा है उनकी फिल्म अंतिम में होने की बात अफवाहें साबित होती हैं, तो यकीन वो सलमान खान की फिल्म दबंग 4 का हिस्सा है। ऐसे में क्या शालिनी पांडे को फिल्म से कहना पड़ेगा अलविदा? आपके हिसाब से कौन सी अभिनेत्री चुलबुल की बुलबुल के किरदार में सावा जचेगी? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने। तो आप सब तो जानते ही है कि सलमान खान जिनकी दबंग 3 20 दिसंबर को रिलीज हो गई है, उन्होंने पहले ही अपने पुलिस मताधिकार के लिए एक और अध्याय की योजना बना ली है। मिरर के साथ हाल ही में बातचीत में अभिनेता दबंग 4 की अवधारणा के बारे में बोलते हैं। रोहित शेट्टी और फरहान अख्तर द्वारा अपने संबंधित प्रोजेक्ट्स के लिए संपर्क किया जा रहा है और चुलबुल पांडे, राधे और डेविल के पात्रों को एक साथ ला रहा है एक क्रॉसओवर फिल्म में। सलमान खान ने पुष्टि की कि दबंग फ्रेंचाइज की 4थी किस्त लिखी गई है। प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित तीसरे भाग में अभिनेता चुलबुल पांडे के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। दबंग 3 एक प्रीक्वल है और चुलबुल को एक अपराधी बल्ली सिंह के साथ आमने सामने लाए, जिसकी हरकत से कई लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सलमान कहते हैं एक चीज जो वो करना चाहते हैं वो है किक का डेविल, दबंग चुलबुल पांडे और राधे को साथ लाना। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई अस्थायी तारीख नहीं दी है कि ये क्रॉसओवर प्रोजेक्ट कब अमल में आएगा। क्रॉसओवर के बारे में बात करते हुए सलमान ने ये भी पुष्टि की है उनकी रोहित शेट्टी द्वारा एक फिल्म के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन अभी तक कुछ भी अंतिम रूप में नहीं लिया गया है। हालांकि वो शेट्टी के पुलिस ब्रह्मांड में शामिल होने से इनकार करते हैं, जिसमें सिंघम सिम्बा और सूर्यवंशी शामिल है। चुलबुल पांडे अपने भीतर एक ब्रह्मांड है और ऐसा ही सिंघम है, वो कहते हैं। ये नोट करना दिलचस्प है कि शेट्टी के सूर्यवंशी और सलमान की इंशाअल्लाह ईद 2020 के दौरान बॉक्स ऑफिस पर भिड़ने वाली थी, लेकिन रोहित ने अपनी फिल्म को 27 मार्च 2020 को रिलीज करने के लिए पुनः निर्धारित कर दिया। इससे पहले सलमान ने कहा था कि दबंग 3 की शूटिंग पूरी होने के बाद अभिनेता सोहेल खान की शेर खान की शूटिंग शुरू करेंगे। फिल्म की स्थिति पर विस्तार से सलमान का कहना है कि शेर खान केवल 2 से 3 और फिल्मों के बाद ही मंजिला पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म को VFX की एक महत्वपूर्ण राशि की आवश्यकता होगी और उत्पादन के बाद 1 साल तक का समय लग सकता है। तो दोस्तों, आपको अपकमिंग फिल्म दबंग 4 के बारे में क्या कहना है? हमें कॉमेंट सेक्शन में अपने राय बताए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी खबरें जानने के लिए हमें बचाया दबंग फिल्म ने महेश मांजरेकर के एक्टिंग करियर को। क्या दबंग 4 में दिखेगा सोनाक्षी सिन्हा का दबंग अंदाज? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। दबंग 2010 की भारतीय हिंदी भाषा की एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो अभिनव सिंह कश्यप द्वारा निर्देशित और मलाइका अरोड़ा खान और अरबाज खान द्वारा निर्मित है। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में सोनाक्षी सिन्हा के साथ अरबाज, ओम पुरी, डिम्पल कपाड़िया, विनोद खन्ना, अनुपम खेर, महेश मांजरेकर और माही गिल सहायक भूमिकाओं में, जबकि सोनू सूद फिल्म में विलन थे। दबंग फिल्म एक निर्माता के रूप में अरबाज की शुरुआत और निर्देशक के रूप में कश्यप की पहचान। अब जल्द ही इस फिल्म का 4था पार्ट भी आने वाला है। अप्रैल 2009 में सोनाक्षी ने अपनी पहली फिल्म के लिए दबंग को साइन किया। सलमान ने उन्हें अनेक समारोह में नाचते हुए देखा था और उन्हें इस करदार की पेशकश भी की। इसके बारे में बोलते हुए सोनाक्षी ने कहा था कि उन्होंने फिल्म में गाँव की लड़की के किरदार के लिए तैयार होने के लिए 2 साल में 30 किलो वजन भी कम किया। उन्होंने आगे कहा कि वह लोगों की देखरेख कर रही थी और बारीकियों को चुनने की कोशिश कर रही थी। मलाइका अरोड़ा, जिन्होंने अपने करियर में कुछ आइटम नंबर किए, इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म में भी एक आइटम नंबर किया था। मलाइका सलमान की भाभी थी, फिर भी उन्होंने सलमान के साथ एक आइटम सॉन्ग किया जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया था। फिल्म में अपने किरदार के बारे में सोनू ने बताया कि उनका चरित्र ग्रे शेड्स वाले युवा नेता का था। बाद में महेश मांजरेकर की सोनाक्षी के पिता की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया, हालांकि उनकी एक्टिंग छोड़ने की योजना थी। अब जल्द ही दबंग 4 में भी हमें सोनाक्षी और सलमान के जलवे देखने को मिलेंगे। हालांकि चुलबुल पांडे की रज्जो ने भी खाकी पहन ली है। जी हाँ, बड़े पर्दे पर सलमान खान की दबंग सीरीज से अपने करियर की बोहनी करने वाली सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही आपके मोबाइल पर खुद एक दबंग पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आने वाली है। सोनाक्षी ने ये रूप एक वेब सीरीज के लिए धरा है और इस किरदार का पहला लुक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर खुद जारी किया। फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर और जोया। सोनाक्षी का इस वेब सीरीज का नाम सामने नहीं आया है। ये वेब सीरीज अमेज़न प्राइम पर रिलीज होगी। इस वेब सीरीज को रीमा कागती और रोचिका ओब्राय निर्देशित कर रहे हैं। रीमा ने सोनाक्षी की तारीफ करते हुए मीडिया से कहा कि सोनाक्षी एक ऐसी एक्ट्रेस है जो हर किरदार को निभाने में सहज रूप से फिट होने की क्षमता रखती है। इस सीरीज में सोनाक्षी सिन्हा एक धांसू पुलिस ऑफिसर के लुक में दिखाई देंगी। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या दबंग 4 में देख सकता है हमें सोनाक्षी का धांसू पुलिस अवतार? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्क्रिप्ट रिटन बाय सान्या भार्गव। होकर सलमान ने दी उन्हें अपनी फिल्म में जगह। क्या दबंग खान पहुंचे जंगल में शूटिंग करने के लिए? क्या आप जानते हैं अपने पसंदीदा सितारे सलमान से जुड़ी ये रोचक बातें? दगाबाज रे हाय दगाबाज, मोनी रॉय निकली दगाबाज। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल मोनी रॉय, जो अक्सर बिग बॉस के सेट पर सलमान खान के साथ ठुमके लगाते नजर आती है, पर हमारे भाईजान बीमारों को पसंद है। लेकिन ये क्या, फिर क्यों मोनी ने मना किया बॉलीवुड से सुल्तान के साथ डांस करने से? मोनी अक्सर अपनी ग्लैमरस अदाओं से फैंस को दीवाना करती रहती। मोनी रॉय ने अपने काम के साथ साथ अपने स्टाइल में भी लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी फोटो हो या वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है। हाल ही में एक्ट्रेस का सलमान के साथ एक खास वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस के साथ सलमान खान भी नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अचानक से ये वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही है। वीडियो उस समय का है जब उन्होंने चैट शो सुपर नाइट विद ट्यूबलाइट में अभिनय किया था। यह शो 2017 में सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट के प्रचार के लिए प्रसारित किया गया था। ऐसे में सामने आए वीडियो में आप देखेंगे कई की जो मोनी पूछती है की सलमान खान के साथ डांस करेंगे तो ये कहते हैं नहीं। इसके बाद ये मुड़ती है और सलमान खान से टकरा जाती है, जिसके बाद वह काफी शर्माती नजर आती। वीडियो को मोनी के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और एक बार फिर से वीडियो को छा गया। मोनी रॉय आजकल अपने नए गाने पतली कमरिया की वजह से भी खूब सुर्खियां बटोर रही। जल्द ही मोनी पीरियड ड्रामा फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक नेगेटिव किरदार में दिखेंगी। उनका ये किरदार अयान मुखर्जी ने सीरियल नागिन में उनकी एक्टिंग देख कर किया। आपको बता दें फिल्म ब्रह्मास्त्र एक बिग बजट पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसमें पहली बार रियल लाइफ जोड़ी रणवीर और आलिया बड़े पर्दे पर एक साथ दिखाई देंगी। फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन भी होंगे। फिल्म के बड़े बजट को देखते हुए फिल्म को रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी, करण जौहर, हीरू जौहर, अपूर्वा मेहता, नमिता मल्होत्रा द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। वहीं मोनी का साड़ी वाला लुक हमें दबंग के रज्जो की याद दिलाता है। तो खबर ये है कि दबंग 4 के लिए एक बार फिर नई हीरोइन का चयन होना जा रहा है। तो क्या शालिनी पांडे प्रज्ञा जायसवाल को टक्कर दे सकती है मेड इन चाइना वाली हीरोइन मोनी रॉय को? लेकिन एक और खबर जो नई बॉलीवुड गिलियारों से निकली है वो है कि फिल्म दबंग 4 में बिग बॉस के कंटेस्टेंट की जुड़ने की आशंका है। और ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, ये खतरों के खिलाड़ी भी रह चुकी है। तो आप पहचान ही गए होंगे किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस सीजन 14 की रनर अप अली गोनी की। बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट वाली अली गोनी टॉप 4 में अक्सर रेस से बाहर हो गए। उनके बेघर होने से फैंस काफी निराश हुए। हालांकि अली सलमान का दिल जीतने में कामयाब रही। सल्लू मियां उनके एक जो है ब्रेसलेट गिफ्ट भी किया था और इस प्यार को देख अल्लू अली जो है इमोशनल हो गए थे। उनका कहना है कि उन्होंने ये सम्मान खुद कमाया है इसमें और उसकी मेहनत छिपी हुई है। बॉलीवुड के सुपरस्टार ने इस तोहफे को मिलना उनके लिए काफी उपलब्धि के कम नहीं था। हमें इसे हमेशा संभाल कर रखिए। आपको बता दें सलमान खान जिससे खुश हो जाते हैं वह उन्हें हमेशा अपना टैलेंट दिखाने का मौका देते हैं। ऐसे ही उन्होंने डांस इंडिया डांस के जज से जो हमारे मुदसर खान है, हेजी शाह, जरीन खान और स्नेहा उलाल को बड़ी स्क्रीन पर मौका देकर साबित किया था। अब हो सकता है कि लिस्ट में अली गोनी का नाम भी आए क्योंकि फिल्म दबंग 4 के लिए सलमान स्क्रिप्ट लिख चुके हैं। बारी है तो अब कास्टिंग की और हो सकता है फिल्म दबंग 4 की शूटिंग राजस्थान के जंगल में हो क्योंकि पिछले दिनों सलमान खान अपनी बॉडीगार्ड शेरों और दिग्गज अदाकार बीना काग के साथ जंगल में जीप की सवारी करते दिखाई दे रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान को प्रकृति के बीच टाइम स्पेंड करना बेहद पसंद है। ऐसे में हाल ही में सोशल मीडिया पर उनकी लेटेस्ट तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। सलमान खान ने फिलहाल शराब भी बंद कर रखी है और सलमान खान की मानो तो वो तो ड्रिंक करते ही नहीं। दरअसल ये उन्होंने दबंग 4 के चुलबुल पार्टी का किरदार निभाने की तैयारी के लिए किया था जो उनके भाई अरबाज डायरेक्ट कर रहे थे, यानी इस बार फिल्म को प्रभु देवा निर्देशित नहीं करने वाले। आखिरकार परिवार हमेशा से सलमान के लिए प्रायोरिटी रहा। इस साल अगर कॉप यूनिवर्स फिल्मों की बात करें तो हमेशा उसमें से अक्षय कुमार की सूर्यवंशी, सलमान की दबंग 4 और जॉन इब्राहिम की अटैक शामिल है। भारतीय एनिमेशन स्टूडियोज कॉस्मोस माया, अरबाज खान प्रोडक्शंस एक साथ ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी दबंग को एक नए एनिमेटेड सीरीज में ढालने के लिए साथ में काम करने वाली। ये खबर फिल्म फ्रेंचाइजी की 10वीं वर्षगांठ समारोह के रूप में जिसने 2010 में पहली बार चुलबुल रॉबिनहुड पांडे के चरित्र को पेश किया। इसके रिलीज होने पर कॉस्मोस माया सहयोग मंच डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP के साथ लगातार शो के 104 एपिसोड को स्ट्रीम करते थे। तो स्वागत नहीं करेंगे आप हमारा एनिमेटेड चुलबुल पांडे को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। क्या अली और मोनी की दबंग 4 की जोड़ी देखने को हमें मिल सकती है और दबंग 3 के बाद क्या होगी दबंग 4 की कहानी? हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 4 में इंट्रोड्यूस करेंगे सलमान शोले के गब्बर से भी ज्यादा खतरनाक विलन को। क्या पिता सलीम से ली थी राय अभिनेता ने और किस तरह बॉक्स ऑफिस पर दबंग 4 को टक्कर देगी रोहित शेट्टी की खौफ यूनिवर्स। सुअर का बच्चा वो थे 2 और तुम 3 फिर भी लौट आए खाली हाथ, क्या सोचा था सरदार खुश होगा शाबाशी देगा। ये डायलॉग तो आप सभी को याद ही होगा। जी हाँ, ये डायलॉग फिल्म शोले का ही है। वही शोले जिसके कई अहम हिस्से थे जो दर्शकों को आज भी 45 ईयर्स बाद याद है, जैसे जय वीरू की दोस्ती, साइडर से जुड़ी ये दोस्ती, गाने में देखी बाइक और अंग्रेजी के जमाने में जेलर, ठाकुर, बब्बर और मौसी जैसे किरदार मजेदार भला कौन ही भूल सकता है। लेकिन क्या आपको मालूम है फिल्म के इतने मशहूर डायलॉग और इतनी बेहतरीन कहानी को किसने लिखा था? जी हाँ, आपने सही पहचाना, यह और कोई नहीं मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान थे जिनके दिमाग की जो उपज थी शोले जिसने फिल्म को अमर बना दिया। सलीम खान साहब बॉलीवुड के महानायक सलमान खान के पिता हैं। उन्होंने शोले के अलावा फिल्म दीवार, जंजीर और मिस्टर इंडिया जैसे हिट फिल्मों की पटकथा लिखी है। खबरों की माने तो सलमान खान की दबंग 4 भी अभिनेता ने अपने पिता की मदद ली थी। दरअसल दबंग आज एक ऐसी फ्रेंचाइजी बन चुकी है जिसका सलमान भाईजान की ही तरह सिर्फ नाम ही काफी। इस फ्रेंचाइजी ने कुल मिलाकर 600 करोड़ का क्लब बनाया जो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स को टक्कर दे रही है। तो ऐसे कड़े मुकाबले के लिए किसी मंजे हुए खिलाड़ी को ही फिल्म की कहानी लिखनी पड़ेगी ना, जिस वजह से लेखन में अपना जो कंट्रीब्यूशन देंगे सलीम साहब। इस कॉप यूनिवर्स से चुलबुल पांडे के साथ खड़े होंगे सूर्यवंशी, सिम्बा, सिंघम और आपको विलन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरी डायरेक्टर मोहित सूरी अपना एक विलन यूनिवर्स बना रहे हैं जो फिल्म एक विलन के बाद 2 विलन में देखने को मिलेगा। मई 2020 में यह भी बताया गया है कि दबंग नाम से एक एनिमेटेड सीरीज भी बनाई जाएगी। सीरीज 2021 में हॉटस्टार पर प्रीमियर के लिए निर्धारित है। वहीं फिल्म दबंग 4 के लिए भी दर्शक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जब सलमान खान ने खुद बोला है दबंग 4 आएगी तो मतलब आएगी, क्योंकि एक बार जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। फिल्म के अगले भाग को लेकर सलमान ने पुष्टि की है। उन्होंने दबंग 4 दबंग 3 की रिलीज से पहले ही दिखा दी थी। तो क्या कहानी एक बार फिर प्रीक्वल के दौर में रची जाएगी? क्या इस फिल्म में धाकड़ सिंह को चुलबुल पांडे बनाने का सफर दिखाया जाएगा, या फिर जिस तरह दबंग 3 में चुलबुल के पास को दिखाया गया था तो इस बार होगी चुलबुल के फ्यूचर की बारी? दरअसल ये कंसेप्ट सुनने में तो काफी अटपटा सा लग रहा है और देखने में काफी फिल्म देखने को भी पता लगेगा, लेकिन ये सदियों से चलता आ रहा है कि फिल्म में बाप और बेटे की शक्ल कभी कभी एक जैसी होती है। बात करें फिल्म कृष्ण की, जिसमें ऋतिक रोशन ने कंसेप्ट को अपनाया था, वहीं अब रणबीर कपूर अपनी आगामी फिल्म शमशेरा में ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। तो हमारे खानों में खान सलमान खान किसी से कम थोड़ी ना है। उन्होंने भी सोचा होगा कि रणबीर को ऐसी ही हालत में जितना नहीं देंगे। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सलमान ने खुद फिल्म की कहानी का हिंट हमें दिया है। कैसे? दरअसल अभिनेता ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि उन्हें दबंग 4 को बनाने का आइडिया दबंग 3 की कहानी को सुनते वक्त आया था। और कहानी तो हमें पता ही है, यंग चुलबुल की कहानी। वहीं जो दर्शक है ओल्ड चुलबुल की नई जनरेशन के चुलबुल के साथ देखेंगे तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा। इससे पहले फिल्म भारत में भी सलमान ने कुछ ऐसा ही अलग करने का प्रयास किया था, लेकिन मामला कुछ जमा नहीं। आपको यह भी बता दें फिल्म में इस बार फिर से डांस नंबर होने वाला है। और क्या आप जानते हैं इस बार ये सुनहरा मौका कैसे मिला? चलिए आपको एक हिंट देते हैं। अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिलबर। जी हाँ, अपने डांस स्टेप से पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बनाने वाली डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही। नोरा जिस गाने में हो, मान लीजिए गाना हिट है, और ऐसे में दोनों के हिट कॉम्बिनेशन से क्या सुपर हिट बन पाएगी दबंग 4? यह तो हमने आपको बताया है कि जो फिल्म है दबंग के लिए साउथ की नई अभिनेत्री शालिनी पांडे का नाम बहुत ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है, जो कम उम्र में भी काफी मैच्योरिटी से अपनी फिल्मों का चयन करती दिख रही है। दबंग 4 के लिए कास्टिंग डायरेक्टर एक ऐसा चेहरा ढूंढ रहे हैं जो मासूम तो हो लेकिन बोल्ड भी, जिससे हो तो लेकिन कोई जमाने के साथ चलती हो। लेकिन उन्हें शालिनी में सारे गुण मिल गए थे। दबंग से पहले शालिनी रणवीर के साथ 2021 की फिल्म जयेश बाय जोरदार में जोड़ी बनाने जा रही। ऐसे में क्या नाम पर विचार कर सकते हैं फिल्म के निर्माता, क्योंकि जिस तरह सोनाक्षी सिन्हा ने अपना डेब्यू दबंग से किया था, साई मांजरेकर ने भी दबंग 3 का हाथ थामा, बॉलीवुड में एंट्री ली। तो ऐसे में क्या पहले से ही जो है हमारे शालिनी के जो स्केड्यूल है काम करना चाहेंगे सलमान के साथ। आपको ये बात भी बता दें कि फिल्म शोले के मशहूर विलन गब्बर की एक तरह एक खूंखार डाकू दिखाई देने वाले हैं इस फिल्म में, लेकिन वह कौन होगा ये कह पाना फिलहाल मुश्किल है। अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि सलमान के रहते कौन है जो हमारी लाइमलाइट को पा सकता है कोई अभिनेता आपके दिमाग में? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मैं हूँ पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है सिमरन रावत ने। देखने को मिल सकता है हमें दबंग के चौथे पार्ट में। क्या बनाता है दबंग फ्रेंचाइज को एक फैमिली एंटरटेनर? तो दोस्तों नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्रास स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि दबंग को दुनिया भर के लगभग 2100 सिनेमाघरों में 10 सितंबर 2010 को ईद उल फितर के दौरान रिलीज किया गया था। ये 2010 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई थी। दबंग ने कई पुरस्कार जीते थे, जिनमें से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सोनाक्षी के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू भी था। फिल्म को इसके बाद 2 सीक्वल मिले, दबंग 2 जो कि 2012 में आई थी और दबंग 3 जो कि 2019 में आई थी। दोस्तों आपको बता दूं कि दबंग 3 एक प्रीक्वल फिल्म की तरह थी और फिल्म की कहानी एक फ्लैशबैक का वर्णन करती है, जिसने दबंग की घटनाओं का गठन किया है। आपको बता दूं कि फिल्म के लिए सोनाक्षी सिन्हा को काफी तारीफ मिली थी। दबंग के बारे में सोनाक्षी ने कहा कि दबंग मेरे लिए घर की तरह है। मैंने इस फिल्म में इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया था। मुझे खुशी है कि मैं इस फ्रेंचाइज का अभिन्न हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए सम्मान की बात है और मैं सभी की आभारी हूँ, खास तौर पर सलमान खान की, जिन्होंने रज्जो के रोल के लिए मुझ में विश्वास जताया और मुझे मेरा पहला ब्रेक दिया। दबंग सबसे सफल फ्रेंचाइज में से एक है और ऐसे में इस सफर का हिस्सा बनकर मजबूती से आगे बढ़ते रहना अच्छा लगता है। आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि दबंग एक दिलचस्प फिल्म है और हर फ्रेंचाइज में हमें साथ काम करते हुए बहुत मजा आया है। हालांकि पहली फिल्म में मैं नई थी और हर चीज सीख रही थी और फिर बाद की फिल्मों में इसे समझने लगी। तब तक मुझे कुछ अनुभव हो गया था, इसलिए मुझ में ज्यादा आत्मविश्वास था। फिल्म की हर किस्त के साथ मैं अपने किरदार रज्जो के और करीब आती गई। मैंने अपने किरदार को समझा और इसे ज्यादा आसानी से प्रस्तुत किया। पिछले कुछ वर्षों में रज्जो के किरदार में काफी बदलाव आए हैं। वो एक बेटी से लेकर एक खुशमिजाज और प्रोटेक्टिव पत्नी, बहू और एक माँ बनी। ऐसे में इस किरदार के गुणों में कई बदलाव भी आए हैं, इसलिए हर इंस्टॉलमेंट में मेरे लिए कुछ नया था। मेरा मानना है कि दर्शक किसी फिल्म को तब पसंद करते हैं जब वो फिल्म के किरदार और स्थितियों से व्यक्तिगत रूप से जुड़ते हैं या फिर वो कोई प्रेरणादायक किरदार देखते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि दबंग में अपने से लगने वाले किरदार और स्थितियां दोनों ही हैं। इस फ्रेंचाइज में एक्शन और ड्रामा से लेकर कॉमेडी और यहां तक कि रोमांटिक सीक्वेंस सभी बखूबी निभाए गए हैं। दबंग 3 के साथ मसाला और मनोरंजन बढ़ा और बेहतर हो गया और लगता है कि दबंग 4 में हमें इस कहानी को आगे देखने का मौका मिल सकता है और इसलिए हम इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। और आप तो दोस्तों हमें अपने एक्साइटमेंट का लेवल हमारे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर हैं सान्या भार्गव। कैसे बदली दबंग 3 ने सई मांजरेकर की जिंदगी? क्या दबंग 4 में दिखेगा हमें सई मांजरेकर का किरदार? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। दबंग फ्रेंचाइजी ने देश भर में भारी संख्या में फैंस बनाए हैं और बॉक्स ऑफिस पर राज भी किया है। इस मसाला एंटरटेनर में सबके चहीते पुलिस वाले चुलबुल पांडे और रॉबिन हुड पांडे एक बार फिर अपनी हीरोगिरी और विचित्र कारनामों के साथ पधार रहे हैं। जल्द ही हमें दबंग 4 में चुलबुल पांडे देखने को फिर से मिलेंगे। फिल्म की तीसरी कड़ी में ग्लैमरस सोनाक्षी सिन्हा रज्जो पांडे के रोल में वापस लौटी है। उनके साथ इस फिल्म में सलमान खान, महेश मांजरेकर, अरबाज खान और खूबसूरत नवोदित अभिनेत्री सई मांजरेकर भी दिखाई दी थी। प्रभुदेवा के निर्देशन में बनी दबंग 3 में चुलबुल पांडे की एक पुलिस ऑफिसर के रूप में शुरुआत दिखाई गई थी। इसमें उनका सामना बाली सिंह नाम के एक पुराने दुश्मन से होता है जिससे उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और फिर वो अपने चाहने वालों को बचाने के लिए स्थिति से निपटते हैं। अपनी पहली फिल्म में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा के साथ पर्दे पर आने के अनुभव के बारे में बात करते हुए सई मांजरेकर ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो यह सपना सच होने जैसा था। सलमान सर और सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म करते हुए रोमांच और उत्साह के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। अपने स्क्रीन टेस्ट के दौरान मैं जानती थी कि मेरा पहला टेक ही यह फैसला करेगा कि मुझे अपने बचपन के पसंदीदा आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा या नहीं। मेरा शूटिंग का अनुभव भी खुशनुमा रहा था। मैं हर दिन अपने किरदार के साथ न्याय करने और उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए तत्पर रहती थी जो प्रभु सर और सलमान सर ने मुझ पर जताया था। मुझे इन सभी से बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे खुशी है कि मुझे दबंग 3 के साथ अपना डेब्यू करने का मौका मिला। कुल मिलाकर यह मेरी जिंदगी के सबसे शानदार अनुभव में से एक था। आपने दबंग 3 के बाद के अनुभव के बारे में बात करते हुए सई ने कहा कि इस फिल्म को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला उसे देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। हम सबको इस फिल्म की ओरिजिनल कहानी बहुत पसंद है और चुलबुल पांडे सिनेमा के हर दौर के सबसे चहीते किरदारों में से एक है। इस सफर का हिस्सा बनना तो सपना सच होने जैसा है, लेकिन हमें जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला वो इससे कहीं ज्यादा था। अपने खुशी के किरदार के लिए मुझे जो प्यार मिला उसने मुझे एक व्यक्ति और एक एक्टर के रूप में आगे बढ़ाया है। इस किरदार की वजह से मैं खुद को ज्यादा जिम्मेदार और प्रेरित महसूस करती हूँ, इसलिए दबंग के बाद की जिंदगी वाकई बहुत बढ़िया है। अब लगता है कि दबंग 4 में भी हमें सई के किरदार को देखने का मौका मिल सकता है। हम तो दबंग 4 के लिए अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्या आप एक्साइटेड हैं? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीवुड स्टूडियोज में। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 को विवादों का सामना करना पड़ा था, वो भी अपने टाइटल ट्रैक हुड़ हुड़ दबंग के लिए ही था। गीत में दिखाया गया है कि नदी के किनारे चुलबुल पांडे यानी कि सलमान साधु के साथ नाचते हैं। चुलबुल को अपने दबंग मूव्स करते हुए देखा जाता है, वहीं कुछ साधुओं को गिटार बजाते हुए भी दिखाया गया है। एक हिंदू संगठन ने कथित तौर पर इस गाने को उनकी धार्मिक भावनाओं के प्रति आपत्तिजनक और आहत पाया। उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC को फिल्म के प्रमाणन से इनकार करने के लिए कहा जो प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित थे। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करते हुए गीत की कोरियोग्राफर शबीना खान कहती हैं, इस गीत में साधुओं को गिटार के साथ नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अब ये असली साधु तो है नहीं, ये एक साधु गेटअप कोरियोग्राफ किए गए डांसर है। हमने मध्य प्रदेश में महेश्वर में गाने की शूटिंग की है। कुछ साधु थे जो केवल शूटिंग देखने के लिए एकत्रित हुए थे। आप उन्हें गाने के बैकग्राउंड में खड़े देख सकते हैं। कोरियोग्राफर का कहना है कि गाने को लेकर कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वो कहती हैं, अभिनेता उन्हें साधुओं की तरह कपड़े पहने हैं और अतीत में भी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। हमने हेमा मालिनी को मनोज कुमार अभिनीत सन्यासी में चल सन्यासी गाने में सन्यासी को छेड़ते हुए देखा है। इसी तरीके से मुमताज को साधु के रूप में कपड़े पहने फिल्म रोटी में गोरे रंग पे गीत में राजेश खन्ना के साथ नाचते हुए देखा गया। मुझे लगता है कि हुड़ हुड़ दबंग गाने की कोरियोग्राफी में कुछ भी अपमानजनक नहीं है। अगर लोग इस तरीके से हर एक कदम की छानबीन करेंगे तो हम फिल्में कैसे बनाएंगे। हर बार दबंग फ्रेंचाइजी की हर फिल्म को किसी न किसी तरीके की कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ता है और जल्द ही दबंग 4 में सलमान खान को फिर से देखा जाएगा। इससे पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान दबंग 3 एक और विवाद में आ गई थी, जब फिल्म के निर्माताओं को भगवान शिव के प्रति अनादर दिखाने के लिए दोषी ठहराया गया था। इसकी शुरुआत तब हुई जब लकड़ी के तख्ते पर ढके एक शिवलिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। दबंग 4 के रिलीज होने पर बॉलीवुड के कौन कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अब तो बस इंतजार है इस फिल्म के रिलीज होने का, हमें भी और दुनिया भर में इसके लाखों करोड़ों फैंस को भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है सानिया भार्गव ने। कौन है असली दबंग चुलबुल पांडे? कौन थे पहली पसंद दबंग फिल्म के लिए? सलमान खान कई अपने रोल्स के लिए मशहूर हुए हैं और जिनमें से उनका सबसे मशहूर किरदार हमेशा से ही फेमस रहेगा चुलबुल पांडे का। दबंग एक एक्शन कॉमेडी फिल्मों की फ्रेंचाइजी है जो अरबाज खान द्वारा आमतौर पर निर्मित की जाती है, जिसमें सलमान खान लीड रोल पुलिस का अफसर चुलबुल पांडे का किरदार निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है रियल लाइफ के दबंग? देश में बहादुर पुलिस वालों की जो है हमारी काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन आज हम जिसे साहसी पुलिस वाले की यहाँ जिक्र कर रहे हैं उनका नाम है अनुजू कृष्ण चौधरी। पुलिस सेवा के साथ साथ खेल में भी रुचि रखने वाले अनुज चौधरी के बारे में कहा जाता है कि उनका नाम सुनते ही अपराधी खौफ से कांपने लगते हैं। खेल कोटे में पुलिस से भर्ती हुए और अनुज चौधरी की छवि एक दबंग फिट और निर्भीक पुलिस अफसर की है। अपराधियों को सजा दिलवाने वाले और माफियों का शिकंजा खींचने वाले ये भारतीय के चुलबुल पांडे के नाम से मशहूर है। कुछ लोग उन्हें सुपर कॉप के नाम से भी जानते हैं और अनुज चौधरी मुसाफा नगर के भेजड़ी गाँव से बिलोंग करते हैं। सलमान खान हमेशा से बॉलीवुड के माचो मैन रहे, लेकिन उनकी फिल्म वांटेड 2009 में रिलीज हुई थी ने सलमान खान के लिए एक अलग टाइप का किरदार दर्शकों को दिखाया। वांटेड सिर्फ एक झलक थी और फिर सलमान खान को इस तरह के किरदार पसंद आने लगे। 2010 में खान ने फिर से एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने अपना एक स्टाइल, कॉमेडी और बहुत ही अधिक एंटरटेनमेंट दिया। चुलबुल पांडे के रूप में सलमान को एक ऐसा किरदार मिला जो उनके पास अपना ब्रांड बन गया था और इसलिए इसने अनुभव कश्यप के किरदार से बनी फिल्म दबंग का एक ब्लॉकबस्टर बनाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दबंग फिल्म के लिए काफी पसंद कौन थे? और जी हाँ, अभिनय कश्यप जो हैं उन भाई अपने उसके प्रसाद फिल्म निर्माता अनुराग के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार थे। दबंग एक डार्क फिल्म बनने वाली थी, लेकिन जिसमें कोई गाने या कॉमेडी नहीं होने वाली थी। सुनने में तो यह भी आया था कि इस रोल के लिए अभिनव रणदीप हुड्डा को कास्ट करने का सोच रहे थे। अब सुनने में आया है कि इस महान फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म दबंग 4 जल्द आने वाली है और इस फिल्म की तैयारी भी शुरू कर चुकी है। दबंग 4 के स्क्रिप्ट और कहानी के लिए सलमान खान काफी पहले से तैयार थे और दबंग 4 में रिलीज होने पर बॉलीवुड के कौन कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। अब तो बस इंतजार है इस फिल्म के रिलीज होने का, हमें भी और दुनिया भर में इसके करोड़ों फैंस को भी। वीडियो को लाइक कर। क्यों बना रहे हैं दबंग के निर्माता दबंग 4? क्या है दबंग फिल्मों के मौत के बारे में सबसे हैरानी वाली बात? तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। तो बता दें कि आसान बिजनेस मिलने की उम्मीद में अब निर्माता निर्देशक अपनी हिट फिल्मों की फ्रेंचाइज एक के बाद एक लेकर आ रहे हैं। हाल ही में हाउसफुल 4 की चौथी सीरीज रिलीज हुई, 5वीं की तैयारी है, कमांडो 3 रिलीज हो चुकी है और दबंग 4 की अब बारी है। दबंग 2 के 7 सालों बाद फिल्म दबंग 3 जो कि 2019 में 20 दिसंबर को रिलीज हुई थी, फिल्म की रिलीज से पहले ही दबंग 4 को बनाने की तैयारी हो चुकी थी। इसकी पुष्टि खुद दबंग अभिनेता सलमान खान ने की है। दोस्तों बता दूं कि सलमान खान का कहना है कि दबंग 4 की स्क्रिप्ट भी बनकर तैयार है, बाद में दबंग 4 भी बनेगी। दबंग 4 दबंग 3 की तरह ही प्रीक्वल फिल्म होगी, जिसमें ये दिखाया जाएगा कि चुलबुल पांडे चुलबुल कैसे बना। फिल्म की कहानी चुलबुल के पुलिस वाले बनने से पहले की कहानी दिखाएगी। दबंग 3 फिल्म से फिल्म मेकर और अभिनेता महेश मांजरेकर की बेटी साई मांजरेकर अपने अभिनय करियर की शुरुआत कर चुकी हैं। बता दें कि दबंग के अलावा सलमान खान, एक था टाइगर और किक जैसी फिल्मों के फ्रेंचाइज का हिस्सा भी है। हॉलीवुड के लोग हिंदी फिल्मों को म्यूजिकल कहते हैं क्योंकि संगीत बॉलीवुड की कहानी कहने का प्रक्रिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन दबंग 3 ने इस पुराने पैटर्न को तोड़ दिया। यहाँ कहानी को आगे ले जाने वाले गानों के बजाय फिल्म का इस्तेमाल गानों को दिखाने के लिए किया जाता है। संगीतकार साजिद वाजिद ने गीतों को मनोरंजक बनाने पर इतना ध्यान केंद्रित किया है कि आप लगभग वो भूल जाते हैं कि फिल्म की कहानी कहाँ जा रही है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बाद दबंग फ्रेंचाइज काफी मशहूर है और इस फिल्म की एक तेलुगु रीमेक है। तो कौन सी है ये फिल्म? दोस्तों बता दूं कि दबंग को तमिल में रीमेक किया गया था। गब्बर सिंह एक तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो दबंग की ही रीमेक है। इस फिल्म के निर्देशक हरीश ने कहा, दबंग देखने के बाद मैंने सोचा कि ये हिट क्यों हो गई। ये एक बढ़िया फिल्म है जिसमें देहाती पृष्ठभूमि है, इसमें विशाल भारद्वाज और अनुराग कश्यप का टच है। ये सलमान खान के लिए पूरी तरह से अलग शैली की फिल्म है। हीरो के पास उनके लिए ग्रे शेड्स होते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या दबंग 4 में देखने को मिलेंगे हमें ऐसे गाने? क्या होगी दबंग 4 की कहानी? आप तो बस हम इस फिल्म का इंतजार कर सकते हैं जब तक ये रिलीज नहीं होती। हमें भी और दुनिया भर में इस फिल्म के करोड़ों फैंस को अब इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार बनाई थी। दोस्तों, ये यहीं पे नहीं रुके। इसके बाद दबंग 2 आया जिसे भी लोगों ने काफी पसंद किया। फिर दिसंबर 2019 को दबंग 3 आया जिसके ऊपर दर्शकों का प्यार कंपैरेटिवली थोड़ा कम दिखा, लेकिन हाल ही में मिली खबर के अनुसार पता चला है कि दबंग 4 की भी स्क्रिप्ट लिखकर तैयार है। तो दोस्तों, कब आएगी ये फिल्म, क्या होगी इसकी कहानी? अगर ये सब चीजें आपको जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सब का तहे दिल से बॉलीग्राफ स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। आइए तो फिर आज का वीडियो करते हैं दबंग 4 के बारे में। हाल ही में लिए गए एक इंटरव्यू में सलमान खान ने पुष्टि की कि दबंग 4 लिखा है। चुलबुल पांडे वांटेड के राधे, किक के डेविल के साथ क्रॉसओवर फिल्म करने का वो सोच रहे हैं। सलमान खान, जिनकी दबंग 3 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हो चुकी थी, पहले ही अपने पुलिस फ्रेंचाइजी के लिए एक और अध्याय की योजना बना चुके थे। आगे इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, दबंग 3 आने वाली फिल्म का प्रीक्वल है क्योंकि यह अतीत और वर्तमान दोनों को क्रॉनिकल करता है। मैं एक विचार और अरबाज के साथ आया था। मैं सिर्फ काम चलाओ बुद्धिशीलता पर आधारित था। हम वर्तमान से शुरू करना चाहते थे और चुलबुल पांडे की यात्रा को ट्रैक करने के लिए अतीत में चले गए और उनका अतीत उनके वर्तमान में कैसे आया। यह पूरी तरह से प्रीक्वल नहीं है दोस्तों। पूरी फिल्म अतीत में सेट नहीं है, यह सिर्फ उसका अर्धपूर्ववर्ती है। अपने करियर के दौरान 53 वर्षीय अभिनेता ने एक एक्शन स्टार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन उनका मानना है कि अगर किसी फिल्म में इमोशन नहीं है तो एक्शन माइंडलेस है। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हीरोइज्म से बेहतर काम करता है। यदि आपके पास किसी फिल्म में हीरोइज्म है तो यह काम करता है। हीरोइज्म का मतलब ये नहीं है कि आप किसी लड़की से रोमांस करते हैं। इसका मतलब है कि सभी बाधाओं के खिलाफ किसी के लिए कुछ करना। दोस्तों, अब देखने की बात ये रहेगी कि दबंग 4 क्या दर्शकों की उम्मीद पर खड़ा उतरेगा और क्या उनकी ये कोशिश सफल होगी। उनका दबंग 4 को सुपरहिट बनाने के लिए कुछ अलग स्टोरी लाइन का उपयोग करना होगा जिससे दर्शकों के मन में इस फिल्म के बारे में उत्सुकता जगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये थी कुछ दिलचस्प बातें दबंग 4 इस फिल्म के बारे में। ऐसी ही और मजेदार चीजें जानने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सब को लेकर सलमान का प्लान। बता दें कि आसान बिजनेस मिलने की उम्मीद ने अब निर्माता निर्देशक अपनी हिट फिल्मों की फ्रेंचाइजी एक के बाद एक लेकर आ रहे हैं। हाल ही में हाउसफुल की 4थी सीरीज रिलीज हुई थी, 5वीं की तैयारी है। कमांडो 3 रिलीज हो चुकी है और अब बारी है दबंग 4 की। चुलबुल पांडे वापस आ गए हैं। अपनी सोचा होगा कि आपको दबंग फिल्म के छुटकारा मिल गया, लेकिन शायद ऐसा नहीं होने वाला है। दबंग एक्शन कॉमेडी फिल्मों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर अरबाज खान द्वारा निर्मित की जाती है, जिसमें सलमान खान ने अपने पुलिस वाले गुंडे चुलबुल पांडे के रूप में, सोनाक्षी सिन्हा ने रज्जो पांडे के रूप में और अरबाज खान ने चुलबुल के सौतेले भाई मक्खन चंद मक्खी के रूप में अभिनय किया था। दबंग फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म अभिनव कश्यप द्वारा निर्देशित थी और दूसरी फिल्म अरबाज खान द्वारा निर्देशित थी। तीसरी फिल्म प्रभुदेवा द्वारा निर्देशित थी। अभी तब दबंग फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में आ चुकी हैं। 2019 में दबंग 3 आई थी, जिसमें सलमान खान के किरदार चुलबुल पांडे अपने अतीत से एक दुश्मन का सामना करते हैं और निर्भय पुलिस के रूप में उसकी कहानी सामने आती है। ऐसा लग रहा है कि सलमान खान दबंग श्रृंखला के प्रशंसकों को बहुत खुश करने वाले हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि क्यों, तो हम आपको बता दें कि सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दबंग 4 की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और ऐसा लग रहा है कि दबंग 4 एक प्रीक्वल होने वाली है, क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि वे ऐसे समय में प्रीक्वल की कहानी को कैसे लिखेंगे जब कई निर्माता सीक्वल बनाने में संघर्ष कर रहे हैं, तो सलमान ने कहा हमारे पास दबंग 4 भी लिखी हुई है। हालांकि सलमान ने इस मजाक में कहा और उन्होंने वास्तव में दबंग 4 की पुष्टि की है, लेकिन उनका बयान श्रृंखला के प्रशंसकों को बेहद उत्साहित करने के लिए प्राप्त नहीं है। उस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वे सीक्वल बनाने की योजना कैसे बना रही हैं, तो सलमान खान ने बताया कि कभी कभी एक फिल्म अगले प्रोजेक्ट के लिए एक आइडिया दे देती है। उन्होंने कहा ऐसे आइडिया कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी एक फिल्म आपको अगले के लिए एक विचार देती है। दबंग 3 में हम बता लगा सकते हैं कि रज्जो के पिता शराबी क्यों थे और चुलबुल पांडे ने उनसे कैसे मुलाकात की। अब आप जब पिक्चर देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा। अब तो बस इंतजार है इस फिल्म के रिलीज होने का, हमें भी और दुनिया भर के सभी करोड़ों फैंस को। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने पसंदीदा एक्टर्स को फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। क्या सलमान की दबंग 3 के बाद दबंग 4 भी बड़े पर्दे पे होने जा रही है रिलीज? क्या सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग 4 करने से कर दिया है इनकार? और क्या सलमान ने फरहान अख्तर की स्टोरी को कर दिया है रिजेक्ट? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं स्माइल चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल बॉलीग्रेड वीडियोस पे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के बाद सलमान की बैक टू बैक काफी फिल्में बड़े पर्दे को होने जा रही है रिलीज, जिसमें से सबसे पहले राधे इस साल ईद पे होगी रिलीज। पर सलमान की मोस्ट अवेटेड मूवी जिसका फैंस बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार, वो है दबंग 4। दबंग 2 और दबंग 3 को इतना ज्यादा प्यार देने के बाद फैंस अब दबंग 4 का कर रहे हैं इंतजार और चाहते हैं कि चुलबुल पांडे एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पे मचाए धमाल। इस फिल्म के तीनों सीक्वल्स में सलमान और सोनाक्षी लीड रोल में आए थे नजर और फैंस को उम्मीद है कि 4th सीक्वल में भी यही दोनों लीड रोल में आएंगे नजर। पर इस बात की अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है, क्योंकि सोर्सेस की माने तो सोनाक्षी सिन्हा ने दबंग 4 करने से कर दिया है इनकार। हालांकि ये भी सोचने की बात है कि दबंग सोनाक्षी सिन्हा की डेब्यू फिल्म थी और आखिर क्या वजह है कि अब सोनाक्षी सिन्हा दबंग के सीक्वल को नहीं करना चाहती। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सोनाक्षी सिन्हा की जगह कौन सी एक्ट्रेस लीड रोल करेगी, या फिर हम फिर एक बार सोनाक्षी सिन्हा को ही लीड रोल में देखेंगे। इस फिल्म के पहले सीक्वल को अरबाज खान, प्रभुदेवा और अभिनव कश्यप ने और दूसरे सीक्वल को अरबाज खान ने और तीसरे सीक्वल को प्रभुदेवा ने किया था डायरेक्ट। इस फिल्म के सीक्वल्स को सलमान खान, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा और निखिल द्विवेदी ने मिलकर किया था प्रोड्यूस। दबंग के सीक्वल्स में सलमान और सोनाक्षी के अलावा हम सोनू सूद, डिम्पल कपाड़िया, विनोद खन्ना, प्रकाश राज और साई मांजरेकर जैसे स्टार्स को भी किरदार करते हुए देख चुके हैं। सोनाक्षी सिन्हा के जैसे ही साई मांजरेकर ने भी दबंग सीक्वेंस के साथ किया था बॉलीवुड में डेब्यू। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दबंग 4 के साथ सलमान किस स्टार का कराते हैं बॉलीवुड में डेब्यू। साथ ही साथ सोर्सेस की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर्स ने मीडिया से ये बात अभी भी छुपा कर रखी है कि फिल्म की शूटिंग कब स्टार्ट होगी और कब दबंग 4 होगी रिलीज। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान ने दबंग 4 के रिलीज होने की बात पर कंफर्मेशन कर दी है कि दबंग 4 जल्द रिलीज होगी और साथ ही स्टोरी का भी कंफर्मेशन दे दिया है कि दबंग 4 की स्टोरी भी फाइनलाइज हो चुकी है, पर अभी भी वो स्टोरी को लेके सीरियस नहीं है। तो सलमान ने तो सब कुछ कहकर भी सब चीजों से मना कर दिया। और दूसरी ओर अरबाज खान तो दबंग 4 के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई भी दबंग 4 के बारे में कोई भी बात क्यों नहीं करना चाहता। आखिर क्या वजह है कि सब फिल्म मेकर्स इस दबंग 4 से सबको दूर रखना चाहते हैं? या तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा या फिर अभी तक दबंग 4 के बारे में कुछ भी सोचा ही नहीं गया है। सोर्सेस की माने तो सलमान ने तो दबंग 3 की रिलीज से पहले ही दबंग 4 पे काम शुरू कर दिया था, ये जाने बिना ही कि दबंग 3 लोगों को पसंद आती है या नहीं। शायद यही डेडिकेशन की वजह से ही सलमान की हर फिल्म एक सुपरहिट होती है। सोर्सेस की माने तो दबंग 4 के लिए फरहान अख्तर ने भी सलमान खान को स्टोरी के लिए अप्रोच किया है और सलमान खान भी इस बात पे कंफर्मेशन दे चुके हैं, पर उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने अभी भी फरहान अख्तर की स्टोरी को फाइनलाइज नहीं किया है। तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि फरहान अख्तर की स्टोरी दबंग 4 के लिए फाइनलाइज होती है या नहीं। अब ये तो रिलीज के बाद ही पता चल पाए। तो ये सब जानने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि दबंग 4 पे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और आप भी अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर हमारे साथ शेयर करें। दबंग ये मसालेदार मूवी उसकी डायलॉग्स और गानों के लिए काफी लोकप्रिय हुई थी। इस फिल्म के गाने कुछ ऐसे हैं कि सुनते ही आदमी झूम उठता है, चाहे वो मुन्नी बदनाम हो, मेरे फोटो को सीने से यार जैसे आइटम सॉन्ग्स हो या दगाबाज तूने तो पल भर में जैसे रोमांटिक ट्रैक्स हो। इस फिल्म की पहचान इसके सुपरहिट गानों की वजह से है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजल और मैं आप सब का तहे दिल से बॉलीग्राज स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दबंग की सिग्नेचर स्टेप बच्चा बच्चा जानता है, तो चलिए आज सुनते हैं इस स्टेप के पीछे की कहानी। इस फिल्म के संगीतकार साजिद खान ने उल्लेख किया, सलमान, मैं और एक दोस्त एक रिश्तेदार की शादी के लिए गए थे और पहली बार हम सभी बाराती बनकर गए थे, इसलिए हम मूल रूप से बारात के साथ सड़क पर नाच रहे थे। भारी भीड़ जमा हो रही थी, इसलिए माथुर चाचा ने उन्हें दूर करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने एक कदम उठाना शुरू कर दिया जहाँ वो अपनी कलाई घुमा रहे थे। उसके बाद हमने एक मामा जी को देखा और उनके पास एक स्टेप था जो वह हमेशा अपनी बेल्ट के साथ करते थे। सलमान भाई को यह स्टेप इतना पसंद आया कि वो बोले, मामा जी आपकी ये स्टेप तो गई। उन्होंने दोनों के विचारों को मिला दिया और इससे प्रसिद्ध दबंग की सिग्नेचर स्टेप में बदल दिया। और आज तक मामा जी कहते हैं, सलमान ने ये मेरा स्टेप चुराया है। सलमान खान ने फिल्म दबंग, दबंग 2 और दबंग 3 में अभिनय किया। दबंग फ्रेंचाइजी की पहली और दूसरी फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जबकि दबंग 3 को समीक्षकों से नकारात्मक समीक्षा मिली। चुलबुल पांडे के रूप में सलमान खान के चरित्र को तीनों फिल्मों में सबसे अधिक सराहा गया। अपनी को स्टार सोनाक्षी सिन्हा के साथ उनके एक्शन सीक्वेंस के लिए केमिस्ट्री से सलमान खान को कई प्रशंसा मिली। दबंग का निर्देशन अभिनव कश्यप ने किया था। दबंग 2 का निर्देशन अरबाज खान ने किया था, जबकि दबंग 3 का निर्देशन प्रभुदेवा ने किया था। दबंग 4 पर अभी बातचीत चल रही है। मेकर्स ने खुलासा किया है कि फिल्म यह पता लगाएगी कि फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा के पिता शराबी क्यों थे और सलमान खान उनसे कैसे मिलते हैं। दबंग सीरीज की तीनों फिल्में सलमान खान की फिल्मों के बैनर तले निर्मित हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी कुछ दिलचस्प बातें दबंग इस सीरीज के बारे में। देखते हैं दबंग 4 इस सब के बाद कब आता है और हमारे लिए क्या और कौन सी अनोखी चीजें लाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के साथ मैं तेजल आप सबसे इजाजत लेती हूँ। आया, उसके बाद दबंग 2 आया, उसके बाद दबंग 3 आया और अब दर्शक आंखों में तेल डालकर दबंग 4 की राह देख रहे हैं। आइए निर्माताओं का इस बारे में क्या कहना है जानते हैं। 20 दिसंबर 2019 को दबंग 3 रिलीज के पहले ही सलमान खान ने चौथी कस की योजना बना ली थी। वीकेंड पर मुंबई में मुन्नी बदनाम के गाने के लॉन्च पर अभिनेता ने कहा, हम पहले से ही अगली किस्त की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी हमने राधे की घोषणा की है जिसे शूट किया जा रहा है और ये स्पेशली ईद रिलीज के लिए योजना बनाई जा रही है। सलमान के भाई निर्माता अरबाज खान ने कहा, इस बार आपको बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दबंग 4 जल्द ही बन जाएगी। सलमान खान ने शो के दौरान हुड हुड दबंग गाने के विवाद को भी स्पष्ट किया, बताया कि जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो विवाद होता है और इस बार यह हुड हुड दबंग के बारे में है। अभिनेता मुस्कुराया, कम से कम लोगों को लगता है कि यह एक बड़ी फिल्म है और गीत के लिए यह हमारा गीत है और जो लोग दावा कर रहे हैं वे केवल फिल्म से प्रसिद्धि हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गाने पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हिंदू जन जागृति समिति ने इस गीत पर आपत्ति जताई थी जिसमें सलमान के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश नृत्य कर रहे हैं। दूसरी ओर यह व्यापार उन रिपोर्टों के साथ अबुझ है जो पहले ही दिन 45 करोड़ रुपयों की कमाई कर रही है। फिल्म के बारे में उनके लेखक पिता सलीम खान का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सलमान ने कहा, मेरे पिता बहुत सीधे व्यक्ति है। इस एक दबंग 3 के लिए उन्होंने कहा कि इसके बारे में चिंता न करें, जिसका मतलब ये है कि हमने अच्छा काम किया। सलमान ने कहा कि वह बिल्कुल नर्वस नहीं थे, केवल वे ही घबराते हैं जिन्होंने अच्छा काम नहीं किया होता है। वांटेड अभिनेता ने कहा, हमने वास्तव में कड़ी मेहनत की है और दबंग में अच्छा काम किया है। हालांकि इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद दबंग सुपरहिट हुआ, लेकिन दोस्तों दबंग 4 के बारे में निर्माताओं ने कुछ खास नहीं बताया। बस ये पता है कि स्क्रिप्ट लिखकर तैयार है और दबंग 3 दबंग 4 का प्री सीक्वल होने वाली है। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग कहाँ तक आई, कब होने वाली है और किस प्लेटफॉर्म पे ये रिलीज होने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ मजेदार चीजें दबंग 4 इस फिल्म के बारे में। ऐसी ही और मजेदार चीजें जानने के लिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो इसी के दोस्तों ऐसी कुछ फिल्में हैं जो लोगों को इतनी पसंद आई कि उन पर सीक्वल बनाए गए। उदाहरण के तौर पर गोलमाल सीरीज, हाउसफुल सीरीज, धूम सीरीज, हेरा फेरी और इनमें एक और भी जाना माना नाम है और वो है दबंग। दोस्तों इस फिल्म के चुलबुल पांडे ने सबको पागल कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजुल और मैं आप सबका तहे दिल से बॉलीग्राज स्टूडियोज में स्वागत करती हूँ। जब दबंग 3 का ट्रेलर आया तो वह दबंग और दबंग 2 से काफी मिलता जुलता था। दोस्तों दबंग 3 के लॉन्च इवेंट पे दबंग 3 अभी रिलीज भी नहीं हुई थी और सलमान खान ने बताया कि दबंग 4 के भी स्क्रिप्ट तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दबंग 3 सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा अभिनीत एक्शन कॉमेडी फ्रेंचाइजी है। बॉलीवुड के दीवाने और भाई के अलग अलग फैंस इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि पहले से ही बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में क्या धूम मची है, जबकि फिल्म के कलाकार प्रचार के दौरान में ही मुख्य अभिनेता ने जानकारी का एक बड़ा टुकड़ा बिखेर दिया था। सलमान खान कहते हैं, हमने भाग 4 भी लिखा है और फिर उन्होंने फिल्म के प्लॉट आर्क के संदर्भ में अपने चरित्र और अपने चरित्र के व्यवहार को लापरवाही से सही ठहराया। वे कहते हैं, जब मैंने पहले दबंग की कहानी सुनी जो दिलीप शुक्ला ने लिखी थी तो मुझे यह कथानक पसंद आया, लेकिन मुझे लगा कि यह चरित्र अच्छा नहीं है। कोई गीत नहीं थे, वह ग्रे, भ्रष्ट और निर्दयी थे, तो मैंने उन्हें चुलबुल पांडे में बदल दिया जिसे आप देखते हैं और ये काम करता है। ये बहुत गुस्से वाला होता है। इसमें आगे माँ का निधन हो गया जिसके बाद वह अपने पिता और भाई को परिवार के रूप में स्वीकार करता है। वह स्क्रिप्ट मेरी नहीं थी। हमने साजिश को बरकरार रखा और दृश्यों को और अधिक व्यापक और दिलचस्प बना दिया। दोस्तों चुलबुल पांडे का एक अलग तरह का स्वैग होता है। दोस्तों दबंग में जहरीला शराब का एक नेगेटिव सीन था, लेकिन उसका फायदा पॉजिटिव था और चुलबुल पांडे की भूमिका भी कुछ ऐसी ही है। अभिनेता का कहना है कि हमें निश्चित रूप से दबंग 4 मिल रही है। चुलबुल पांडे की वापसी जो लगता है काफी हद तक एक चरित्र के रूप में अपरिवर्तित रहने वाली है। तो दोस्तों दबंग 4 क्या रंग लाता है और ये दर्शकों के अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसी के साथ ये थी कुछ दिलचस्प बातें दबंग 4 इस फिल्म के बारे में। ऐसे ही और मजेदार चीज दबंग आया, उसके बाद दबंग 2 आया, उसके बाद दबंग 3 आया और अब दर्शक आंखों में तेल डालकर दबंग 4 की राह देख रहे हैं। आइए निर्माताओं का इस बारे में क्या कहना है जानते हैं। 20 दिसंबर 2019 को दबंग 3 रिलीज के पहले ही सलमान खान ने चौथी कस की योजना बना ली थी। वीकेंड पर मुंबई में मुन्नी बदनाम के गाने के लॉन्च पर अभिनेता ने कहा, हम पहले से ही अगली किस्त की योजना बना रहे हैं, लेकिन अभी हमने राधे की घोषणा की है जिसे शूट किया जा रहा है और ये स्पेशली ईद रिलीज के लिए योजना बनाई जा रही है। सलमान के भाई निर्माता अरबाज खान ने कहा, इस बार आपको बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दबंग 4 जल्द ही बन जाएगी। सलमान खान ने शो के दौरान हुड हुड दबंग गाने के विवाद को भी स्पष्ट किया, बताया कि जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होती है तो विवाद होता है और इस बार यह हुड हुड दबंग के बारे में है। अभिनेता मुस्कुराया, कम से कम लोगों को लगता है कि यह एक बड़ी फिल्म है और गीत के लिए यह हमारा गीत है और जो लोग दावा कर रहे हैं वे केवल फिल्म से प्रसिद्धि हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। गाने पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। हिंदू जन जागृति समिति ने इस गीत पर आपत्ति जताई थी जिसमें सलमान के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश नृत्य कर रहे हैं। दूसरी ओर यह व्यापार उन रिपोर्टों के साथ अबुझ है जो पहले ही दिन 45 करोड़ रुपयों की कमाई कर रही है। फिल्म के बारे में उनके लेखक पिता सलीम खान का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सलमान ने कहा, मेरे पिता बहुत सीधे व्यक्ति है। इस एक दबंग 3 के लिए उन्होंने कहा कि इसके बारे में चिंता न करें, जिसका मतलब ये है कि हमने अच्छा काम किया। सलमान ने कहा कि वह बिल्कुल नर्वस नहीं थे, केवल वे ही घबराते